तो मैं कोशिश करता हूं, जो अभी पिछले 3 दिनों में चर्चा आप सभी लोगों हम सभी लोगों की आपस में हुई है, इसको एक बार यहाँ पर रख देता हूँ। फिर कुछ प्रश्न ले लूंगा और फिर उसके बाद जो बचे हुए भाव हैं, अभी हमने संबंधों में भाव देखे थे तो 9 भाव हैं और 2 ही भाव को देखा था, तो अभी 7 भाव बचे हैं। तो आज पहले आप कोशिश करेंगे कि उन भाव के जो प्रस्ताव हैं आपके सामने हम लोग रख पाए। अगर मुख्य बात देखें तो ये बात निकल कर आती है कि जो मानव, अगर मानव चेतना में जीता है तो उसको समझ, संबंध और सुविधा, ये तीनों की ही जरूरत है। और तीनों की ही जरूरत जब इसको कहेंगे तो ये बात ध्यान में आती है कि तीनों को ही समझ के तीनों को ही जीना होगा। अगर बिना समझने जीने जाएंगे तो भी गड़बड़ी होती है, अगर केवल समझ लिया है जीने में नहीं आ रहा है तो भी पूरा नहीं पड़ता है। तो इसलिए तीनों को ही समझना होगा और जीना होगा। अब जब समझने के लिए जाते हैं तो दिखता है कि जो मानव की व्यवस्था है, जहां जहां मानव जी रहा है, मानव खुद के साथ जी रहा है, परिवार में जी रहा है, समाज में जी रहा है, प्रकृति अस्तित्व में जी रहा है, तो ये चारों में व्यवस्था है। चारों ही व्यवस्था को समझना है और उसके आधार पर हमको जीना है, ये बात ध्यान में आती है। और ऐसा जीते हुए फिर हम एक बड़ी व्यवस्था तक भागीदारी अपनी निभा पाते हैं, तो हम अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, यहाँ तक अपनी भागीदारी निभा सकते। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है दिखता है कि मानव की आवश्यकता आज की डेट में दिखाई देती है। हमारा जो जीना अभी केवल सुविधा के लिए हो रहा है, वो सुविधा के साथ साथ संबंध और समझ के लिए भी हो जाए। यहाँ पर सुविधा को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुविधा के साथ साथ संबंध और समझ को जोड़ने की बात कही जा रही है। पूरे जो वर्कशॉप को चलाने की जो विधि बात हुई कि किस तरह से विधि रखी जाए, तो ये तय हुआ था कि जो भी विधि है वो प्रस्ताव विधि के तौर पर रखा जाए तो वो ठीक रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि भाई मेरे लिए प्रस्ताव विधि ठीक है, हर एक मानव के लिए प्रस्ताव विधि जो है वो ठीक रहती है। और ये हम अपने में जांच परख करके देखें, यहाँ से कह रहे हैं तो उसको मानने के बदले हम जांच करके देखें कि मुझे आदेश विधि ठीक लगती है, उपदेश विधि ठीक लगती है या फिर प्रस्ताव विधि ठीक लगती है। जो भी ये पूरी बात हमारी तरफ से है, आपके लिए प्रस्ताव है और की जांच परख करें। मैं भी जांच परख कर रहा हूँ आज, आप भी जांच परख करें। पहले स्टेप में अपने अधिकार पर, जिसको सहज स्वीकृति कहा, जो व्यक्ति समय और स्थान के आधार पर बदलती नहीं है, निश्चित बनी रहती, उसके अधिकार पर जांच परख किया। जांच परख में ठीक पाया कि ये ठीक है, तो दूसरे स्टेप पे जी कर देखा। जैसे जैसे जीता जाता हूँ तो मेरे में ये एक मतलब स्टेप है वो बढ़ता जाता है, और इस विधि से मैं समझदार, जिम्मेदार जो है वो पाता हूँ, मेरे में समझ सुनिश्चित होती जाती है, ये बात रखी। फिर सुख क्या है, दुख क्या है, इसकी भी चर्चा की, तो ये देखा कि सुख तो वही है, वही संगीत में व्यवस्था में जीना को सुख कह रहे हैं। समृद्धि क्या है, आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव हो जाता है तो उसको जो है वो हम समृद्धि कह रहे हैं। मेरी आवश्यकता को मैं पहचान पाता हूँ और उससे अधिक की उपलब्धि और उत्पादन में कर पाता हूँ, ऐसा भाव मेरे में सुनिश्चित हो पाता है। फिर हमने मानव की व्यवस्था को देखा, तो ये बात यहाँ से रखी गई आपके सामने कि मैं भी हूँ और शरीर भी है, मेरी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। उस आवश्यकता को पूरा करने जाएंगे तो पूरा अलग तरीके से होता है, शरीर की आवश्यकता अलग तरीके से पूरी होती है। मेरी क्रियाएं अलग हैं, शरीर की अलग है, और जो मेरा रिस्पॉन्स है, निर्वाह प्रक्रिया है, वो अलग है और शरीर का अलग। मुझ में जानना मानना भी है, पहचानना निर्वाह करना के साथ साथ, क्योंकि शरीर में देखें तो शरीर में केवल पहचानना और निर्वाह करना ही दिखाई देता है। इसी आधार पर मुझे चैतन्य इकाई कहा गया और शरीर को जड़ इकाई कहा गया। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो मूलभूत भ्रम क्या दिखाई देता है कि मैं बराबर शरीर, मैंने अपने आप को शरीर मान लिया है। अब शरीर की सुविधा सम्मान तो निरंतर चाहिए, अब मुझे लगता है कि भाई वो निरंतर जो है वो कपड़े से मिल जाए, भोजन से मिल जाए, गाड़ी से मिल जाए, मोबाइल से मिल जाए, ऐसा वो पूरा होता नहीं है। और हम फिजिकल फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा अचीव करें, इसमें हम फंसते जाते हैं। अब अभाव
जो होता है कि हमको ये लगता, अभाव का भाव मेरे में बना रहता है कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, मैं सुविधा का प्रयास करने लगता हूँ, फिर उसका संग्रह और ये लगता है कि वो तो असीमित है, फिर मुझे अभाव लगता है और मैं इस चक्र में फंस जाता हूँ और मैं इस चक्र से निकल नहीं पाता हूँ, इसके बाहर देख नहीं पाता हूँ। इसका जो क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद को शरीर माना हुआ है। जब मैं अपनी जो क्रियाओं को देखने गया, दिखाई दिया कि वहां पर इच्छा विचार आशा जो है ये मेरी क्रियाएं हैं, इनको मिलकर इसी पूरे को हम कह रहे हैं कल्पनाशीलता। ये कल्पनाशीलता के आधार पर ही मेरा व्यवहार और कार्य तय होता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक व्यवहार निकल कर आ रहा है, वो व्यवहार निकलने से पहले कल्पनाशीलता में कहीं चल रहा है, वो निकल कर आ रहा है। मैं मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, ईयरफोन के साथ, माउस के साथ कुछ कार्य कर रहा हूँ, वो कार्य भी जो है पहले कल्पनाशीलता में चल रहा है, तब वो निकल कर आ रहा है। अभी जैसे मैं ये बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ भी चलने लगा, जो हाथ भी चल रहा है तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता में कुछ बात चल रही है, तो वो व्यवहार और कार्य जो निकल कर आता है। अब इस कल्पनाशीलता का जो चलान सोर्स क्या है, कहाँ से ये चल रही है, तो दिखता है मान्यता से, संवेदना से और सहज स्वीकृति से चलती है। अगर मान्यता और संवेदना से चलती है तो हम दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर आधारित है, स्वतंत्रता में है, लेकिन अगर मेरे खुद के अधिकार पर चलती है, सहज स्वीकृति के आधार पर चलती है, तो मैं स्वतंत्र होकर जी पाता हूँ। स्वयं में समझ का पूर्ण होना, यही सहज स्वीकृति के आधार अधिकार पर, सहज स्वीकृति से मेरे खुद में ये हो पाता है और हर मानव ये चाहता है, ऐसा दिखाई देता है। समझ के अधिकार पर व्यक्तिगत संगीतमय कल्पनाशीलता मेरे में चलने लगे, मैं अपने में आराम में आ जाऊं। चुप को कहा संगीत में व्यवस्था में जीना। जब शरीर की व्यवस्था को देखने गए तो ये देखा कि भाई शरीर में तो सब कुछ जो है वो ऑलरेडी व्यवस्था में बने ही हुआ है, बहुत गड़बड़ी शरीर में तो नहीं दिखाई देती है। अगर मुझ में संयम का भाव हो जाता है, संयम का भाव मतलब शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव, भाई भोजन है सीमित मात्रा में जरूरी है, कपड़ा मकान है सीमित मात्रा में, साधन है सीमित मात्रा में, चार मोबाइल ले लें और एक बार में एक ही मोबाइल से बात कर पाएंगे, एक मोबाइल में दो सिम भी लगा लें, एक बार में एक ही नंबर पे बात कर पाएंगे, हमको क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? अभी अच्छा मोबाइल ले लेने से क्या हमारा संबंध भी अच्छा हो जा रहा है या नहीं? अगर हमारी आवश्यकता है तो बिल्कुल नहीं, मना नहीं कर रहे हैं कि ना ले, पर अपनी आवश्यकता को पहचान ले, संयम के भाव को देखें, इसको हम अपने में जांच परख कर पाए। शरीर के सदुपयोग के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए सुविधा की आवश्यकता है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण निकलते हैं कि समृद्धि के लिए कार्यक्रम और स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम। समृद्धि को देखने गए तो ये दिखाई दिया कि पहले आवश्यक सुविधा की पहचान कर लें और उससे अधिक की उपलब्धि और उत्पादन का भाव मेरे में सुनिश्चित हो जाए। आवश्यक सुविधा का निर्धारण कैसे होंगे? अगर मेरे में सही समझ बन पाती है तो वहां से मैं अपनी आवश्यक सुविधा का निर्धारण कर पाऊंगा। नासमझी में तो बहुत सारी गड़बड़ी हम कर ही रहे हैं, तो हम ये देख लें सही समझ के से आवश्यक सुविधा का निर्धारण कर पाएंगे या नासमझी में कर पाएंगे। दूसरा, उसका उत्पादन कैसे करेंगे? कोई हुनर सीखेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में तो एक हुनर है, व्यक्ति खेती कर रहा है तो ये हुनर है, कोई व्यक्ति सफाई का काम कर रहा है तो ये हुनर है, उस हुनर से उसका उत्पादन या उपलब्धि का कोशिश करेंगे। एक समृद्ध व्यक्ति सदुपयोग का, दूसरे का पोषण का सोचता है, जबकि दरिद्र व्यक्ति संग्रह का, दूसरे का शोषण के बारे में सोचता है। ये बात समृद्धि को लेकर हुई। शरीर की व्यवस्था की जब बात हुई तो ये बात हुआ कि अगर आहार विहार और श्रम हम कर पाते हैं तो हम वहां से जो है वो स्वस्थ बने रहते हैं, अगर हमारा आहार विहार और श्रम ठीक रहता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो उनको, उसको हम व्यायाम और आसन और प्राणायाम से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ तक भी हमारा ध्यान नहीं जाता है तो हम औषधि और उपचार, शल्य चिकित्सा, इन सब चीजों पर जाते हैं। और औषधि में भी देखें तो बहुत सारी औषधियां हमारे जो किचन है वहीं पर उपलब्ध है, हल्दी भी उपलब्ध है और सौंफ भी है और बहुत सारा, आप खुद सब जान रहे हैं, पर हमको लगता है कि भाई आहार में गड़बड़ी हो गई, भर के खाओ और गोली से बचाओ, हमने कोई उसके लिए सीधे औषधि ले ली। विहार देख नहीं रह पा रहे हैं, श्रम का ध्यान नहीं है,
व्यायाम करने की बात करें तो भाई हम जिम जा रहे हैं कार से, वहां जाके साइकिल चला रहे हैं, इस तरह का सब ध्यान नहीं दे पा रहे। फिर जब परिवार में व्यवस्था की बात हुई, ये बात दिखाई दी जो कल से सुबह से बात चल रही थी कि संबंध है एक मैं का दूसरे मैं से, संबंधों में भाव हैं, भावों को पहचाना जा सकता है, ये निश्चित भाव हैं और इनका निर्वाह और मूल्यांकन करने से उभय सुख होता है। विश्वास से लेकर प्रेम तक ये भावों की चर्चा रखी गई और कल डिटेल में विश्वास और सम्मान पे चर्चा हुई। विश्वास को देखने गए ये दिखाई दिया है कि इस तरह मेरा चाहना और मेरी योग्यता अलग अलग है, इसी तरह दूसरे व्यक्ति की भी चाहना और योग्यता अलग अलग है। मैं अपने चाहना पर डाउट नहीं करता हूँ, ए में मेरी चाहना है कि मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, उसी तरह 4A में भी दूसरा भी मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है। योग्यता की कमी मुझ में भी दिखाई देती है, मैं दूसरे को निरंतर सुखी नहीं कर पा रहा हूँ। योग्यता की कमी दूसरे में भी हो सकती है, दूसरा भी मुझे सुखी नहीं कर पा रहा है। योग्यता और चाहना ये दो अलग अलग चीज है। इसके बारे में विश्वास पर चर्चा पहले सेशन में, दूसरे सेशन में सम्मान को देखा गया तो सम्मान पे ये चर्चा हुई कि भाई ठीक ठीक आकलन करने को सम्मान कह रहे हैं, जबकि ये दिखाई देता है कि अभी हम ठीक ठीक आकलन नहीं कर पा रहे हैं, हम ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन और अदरवाइज इवेल्युएशन कर रहे हैं। जबकि सम्मान को देखने गए तो ये बात ध्यान में आई कि हमारा लक्ष्य, हमारा कार्यक्रम, हमारी क्षमता एक समान है, मेरी और दूसरे मानव की, मेरे ऑफिस के सभी लोगों की, मेरे शहर के सभी लोगों की, मेरे प्रदेश के सभी लोगों की, मेरे देश के सभी लोगों की, यहाँ तक कि मेरे विश्व के सभी लोगों की, लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता तो एक जैसी ही दिखाई देती है। तो इससे ये बात निकल कर आती है कि दूसरा मेरे जैसा है। जब दूसरा मेरे जैसा है तो योग्यता लेकिन अलग अलग दिखाई देती है। जब योग्यता अलग अलग है, कल शाम को इस चर्चा हो रही थी तो नेटवर्क की भी कुछ इश्यू आ गई थी, तो परस्पर पूरक का भाव इससे निकल कर आता है। जैसे ये दिखाई दिया कि भाई योग्यता कम ज्यादा है, तो अगर ये मुझे ये दिखता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा समझदार और जिम्मेदार है, तो मैं उससे सीखने को, समझने को तैयार हूं। यदि मुझे ये लगता है कि मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ, तो मैं पहले सामने वाले के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, बिना व्यवहार को प्रभावित किए हुए। उसमें मैं कोई शर्त नहीं लगाता हूँ कि उन्होंने ऐसा किया तभी तक मैं ऐसा करूंगा, उन्होंने वो बोला तभी मैं ऐसा करूंगा। मैं बिना शर्त के जिम्मेदारी के साथ जीता हूँ और ऐसा जीते हुए मैं सामने वाले का बात को समझने में सहयोग करता हूँ, संबंध का भाव बना रहे उसके साथ, उसके पहले नहीं। और जब ऐसी बात ध्यान में आती है तो ये ध्यान में आता है हम दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, हमारे बीच में कोई कंपटीशन, कोई आंदोलन, कोई विद्रोह ऐसा नहीं चल रहा है, हर एक मानव दूसरे मानव का परस्पर पूरक है। ये बात कल हमारे यहाँ तक निकल कर आई है। किसी की योग्यता कम हो सकती है, किसी की योग्यता की कमी ज्यादा हो सकती है, किसी की योग्यता ज्यादा हो सकती है, योग्यता की कमी कम हो सकती है। क्या हम इसको देख पाते हैं? क्या हम मानव को मानव की तरह देख पाते हैं, या मानव को हमने फिजिकल फैसिलिटी मान लिया है कि उसने कितने रुपए की शर्ट पहनी है, कितने रुपए का जूता पहना है, कितने रुपए का मोबाइल है, कैसी उसकी गाड़ी है, हमने मानव को भी वही मान लिया है। क्या हम इन सारी बातों को अपने में देख पाते हैं? ये बात ध्यान में आती है कि मानव के लिए समझ, संबंध, सुविधा तीनों की ही जरूरत है और तीनों को ही समझने की और जीने की जरूरत है। तो इतनी बात अभी तक हुई है, हम लोग जो है आज इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हमारे किसी साथी का प्रश्न है तो वो हम लोग ले सकते हैं। वो हमारे साथ हैं बाल कृष्ण जी हैं। नमस्ते बाल कृष्ण जी। ठीक है, एक प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं। मनोज कुमार गुप्ता जी हैं। हेलो जी, नमस्ते मनोज जी। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, आ रही।
सर मैं यहाँ पर ये पूछ रहा था, जैसे आपने प्रस्तावना प्रस्ताव और सह स्वीकृति का क्वेश्चन एक रखा था सर कार्यालय स्तर पर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर उसके बारे में कि आदेशात्मक देख क्वेश्चन वो अगर सामने वाले से अपन सह प्रस्तावना रखता था तो मान लेते, अगर वो प्रस्तावना पर नहीं मानता आदेशात्मक आदेश देता है तो उसके लिए कहाँ क्या करेंगे सर अपन, कैसे उसके साथ में वो करेंगे सर अपन, मैं ये जानना चाहता था सर थोड़ा सा। मतलब सामने वाले व्यक्ति के लिए हम प्रस्ताव रख रहे हैं नहीं नहीं और नहीं सामने वाला व्यक्ति ने अपन को आदेशात्मक, अपनी कोई बात नहीं सुन रहा है, नहीं नहीं ये होगा ये करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपन सह स्वीकृति कहाँ देंगे या नहीं देंगे, क्या करेंगे सर इसमें, इसमें मेरे को सम कंफ्यूजन हो रहा है सर। अगर हमको ये दिख जाता है कि सामने वाला व्यक्ति भी भाई अगर वो भी सुखी होना चाहता है, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, मुझ तक कुछ प्रस्ताव पहुंच गया है, अगर मेरा व्यवहार आश्वस्त होता है, आप जिस भी व्यक्ति के साथ जिम्मेदारी और समझदारी के साथ जीते हैं, आप देखेंगे वो व्यक्ति आपके साथ भी प्रस्ताव पूर्वक और जिम्मेदारी और समझदारी के साथ ही जी रहा है। अभी हमारा व्यवहार बहुत ठीक रहता नहीं है और हमको लगता है कि हमारा तो सब ठीक हो गया, सामने वाले ही हमसे ठीक से जिए, हमसे ठीक से बात करें, हमारा व्यवहार हर समय हर एक मानव के साथ निरंतरता में निश्चित आचरण के साथ बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? नहीं मैं यहाँ सर यही चीज बात पूछ रहा था, जैसे को मान के चलो आप मैं कर्मचारी हूँ और आप लेवल पे हैं और आपने मेरी बात सुन नहीं रहे हैं क्या, तो एकदम आपने आदेशात्मक कर दिया, तो यहाँ पर हमें क्या प्रक्रिया देना पड़ेगी सर मेरे को। देखिए, वो ये बात हो सकती है कि किसी एक टाइम पर आदेशात्मक बात आई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब जो हमारे अधिकारी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं, तब संबंध के भाव के साथ कुछ अगर कोशिश करें कि हम भी भाई ध्यान उनका दिला पाए, अगर हमको लग रहा है कि मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ, हम भी इस चीज का प्रयास करें। नहीं वो के किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होता, जैसे कोई मतलब मैं उसकी अब नहीं जो दे रहा हम हूँ ये कह लेते हैं कि हम सुनने को तैयार नहीं हो रहा है, देखें कहीं ना कहीं हम इंटेंशन पर डाउट तो नहीं कर रहे हैं। ना। अच्छा ये देखें कहीं ना कहीं हम इंटेंशन पर डाउट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसको स्वयं स्वीकृति से स्वीकार कर लिया जाए सर, है ना। देखिए अभी क्या था, अभी तक हमारे पास एक वर्ड था स्वीकार, अब हमको हाँ लगा ये नया वर्ड आ गया सह स्वीकृति, अब हर जगह जहां जहां स्वीकृति शब्द है वहां वहां हम सह स्वीकृति को जोड़ देंगे, तो वर्ड अच्छा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको समझें। सह स्वीकृति बदलती नहीं है, एक सी ही बनी रहती है, इस बारे में ध्यान दे पाए। अच्छा मतलब जो है सर मैं ये इस बात को ये समझूं कि उसने आदेशात्मक दिया है तो उसको अपन सह स्वीकृति अपनी अपनी बात नहीं सुनना चाह रहा है तो उसको सह स्वीकृति स्वीकार कर ले सर अपन। सहज स्वीकृति से स्वीकार करने से जरूरी है, मुझे लगता है कि ये देख लें कि भाई क्या आदेश है, क्यों करना है, आदेशात्मक क्यों दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा काम पेंडिंग था, हम ही नहीं कर पा रहे हैं, और सामने वाले व्यक्ति हो सकता है कि भाई कुछ परेशान हो, कुछ ध्यान नहीं दे पा रहा हो, क्या इन सारे मुद्दों को देखते हैं, या हमने सामने वाले व्यक्ति के पहले ही कुछ आकलन करके रखा हुआ है। हाँ हो सकता है उसने भी मेरे प्रति आकलन कर रखा हो कि ये ऐसा है ये नहीं करेगा ये, तो ये यहाँ पर अपन सह स्वीकृति दे सकते हैं सर, दिख रहा है अपनी बात सुनी नहीं गई अपना कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पर अपन सह स्वीकृति स्वीकार कर ले कि हाँ सर आपने कहा है तो वो मनोज ठीक है। जी, मनोज जी, आप शुरू से जुड़े हुए थे, आपने पूरी हाँ बात सर सुनी है, तो हाँ जब हाँ सहज स्वीकृति की बात हुई थी तो ये बात भी हुई थी कि हमारे लिए दो तरह के प्रश्न हैं, क्या करना है और कैसे करना है। जो सहज स्वीकृति हम यूज करते हैं वो क्या करना है वहां पर यूज करते हैं, तो दिखाई दिया भाई सुखी होना चाहते हैं, अब सुखी कैसे होना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है बहुत सारा ही बात है, दिखाई दिया कि भाई शरीर का पोषण करना चाहते हैं, ये सहज स्वीकार हुआ, अब पोषण कैसे करें इसके लिए बहुत सारा फिर वैरायटी है, तो हम सोचे कि हर प्रश्न में अगर सहज स्वीकृति को लगा देंगे कि भाई हर मानव जो है चावल खाए, सहज स्वीकृति तो ये है, फिर मेरी स्वीकृति तो ये है, ये बात ध्यान में आती है कि भाई शरीर को पोषण करना सहज स्वीकार है, पोषण कैसे करना है वहां पे बहुत वैरायटी रहेगी।
थैंक्स, जी धन्यवाद। धन्यवाद। अगर कंटेंट को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो जब बाकी जो बचे हुए भाव हैं, न्याय है और प्रेम है, आज इन पर जो है चर्चा करेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर हमको विश्वास और सम्मान हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, संबंधी स्वीकार लेंगे या छोड़ देंगे, क्या लगता है? अगर छोड़ देंगे तो सी लिख दीजिए, संबंधी स्वीकार लेंगे तो एस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। अगर संबंधी स्वीकार लेंगे तो एस लिख ले, छोड़ देंगे तो सी लिख दे। मिला जुला आंसर आ रहा है, या मुझे लगता है कई बार एस और सी में भी कंफ्यूजन हो गया है, तो ठीक, बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि भाई संबंधी भी स्वीकार लेंगे। जिसके ऊपर भी मुझे अब विश्वास और सम्मान की क्लैरिटी हो गई है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम जो है वो संबंधी स्वीकार ले रहे हैं। दूसरे को जो संबंधी स्वीकार ले रहे हैं, इसी भाव को कह रहे हैं स्नेह का भाव, निर्विरोधिता का भाव। दूसरे को मैंने संबंधी के तौर पर स्वीकार लिया है, संबंध में परस्पर पूरकता के लिए जिम्मेदारी एवं निष्ठा, दूसरे को अपना संबंधी स्वीकार लिया है। क्यों? क्योंकि उसके अब इंटेंशन पर डाउट नहीं है मुझे, मुझे ये बात ध्यान में आ गई है कि उसका कार्यक्रम, उसका लक्ष्य, उसकी क्षमता एक ही है, योग्यता अलग अलग हो सकती है। हम लोग परस्परता में पूरकता के साथ एक दूसरे को समझदार जिम्मेदार बनाने का प्रयास कर सकते, ये बात ध्यान में आ गई। लेकिन अगर स्नेह की क्लैरिटी नहीं हो पाती है, अपने में स्नेह की समझ नहीं हो पाती है, तो ईर्ष्या द्वेष स्नेह के अभाव में इंगित करता है। जो ईर्ष्या द्वेष है, ये सब स्नेह का अभाव है। अभी आप देखें, एक उदाहरण इस तरह का हम लोगों के सामने आया। एक प्रोफेसर इस तरह की वर्कशॉप करने आए, तो प्रोफेसर ने कहा कि भाई मेरी जो दो बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, एक छोटा बेटा है, लेकिन बड़ी बेटी जो है वो छोटे बेटे को बिल्कुल मतलब स्नेह का भाव नहीं रखती है, बहुत उसको जो है वो परेशान करती है, हम लोग उसके बिहेवियर से बहुत परेशान हैं। बोला कि भाई ठीक है, कभी लेकर आइए, बच्चे लोगों को भी लेके आइए। तो बच्चे भी आए, तो बातचीत हुई। जब बच्चे से बातचीत हुई तो ये पता चला वो बड़ी बच्ची थी, पहले जो है वो परिवार में अकेली थी, जो भी कोई गिफ्ट आता था, चॉकलेट आती थी, वो सब उसी के लिए आता था। धीरे धीरे जो है वो छोटा भाई आ गया, तो उसके लिए कुछ भी नहीं आता है, या उसके लिए ये हुआ कि भाई जो छोटा भाई बचा दे, छोड़ दे, वो तुम ले लो। सॉरी। इस भाव से वो जो बच्ची थी बहुत आहत हो गई, वो बच्चे के लिए जो है बड़े भाव के लिए ईर्ष्या और द्वेष का भाव आ गया। ये भी बोला गया कि भाई आप करें क्या, बच्चे तो दो हैं, इसके लिए क्या करें। बोले अगर कोई भी गिफ्ट और इस तरह की चीजें आती हैं, चॉकलेट, बोले आप बड़ी बच्ची को दे दिया जाए, बड़ी बच्ची को बोल दिया जाए कि भाई वो जो है वो बच्चे को, छोटे बच्चे को दे दे। जब वो छोटे बच्चे, जैसे दो आया है, तो वो बड़ी बच्ची अपनी तरफ से दोनों छोटे बच्चे को ऑफर कर दे रही है, और वो छोटा बच्चा उसमें से एक रिटर्न भी कर देगा। इस तरह की भी जो है वो बातें हो सकती है। हम भी अपने परिवार में देख लें, क्या हम भाई भाई में, बच्चों में ये स्नेह का भाव पहुंचा रहे हैं या द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव पहुंचा रहे हैं। हम भी अपने परिवार में इन सब बातों की जांच परख करें। अगर जब स्नेह का भाव मैं अपने संबंधी में देख पाता हूँ, ये स्वीकार पाता हूँ कि ये मेरा संबंधी है, तो संबंधी का शरीर भी है, सेल्फ भी है, संबंधी भी मानो ही है, संबंधी का शरीर भी है, सेल्फ भी है। मैं शरीर और सेल्फ दोनों की जिम्मेदारी को लेता हूं,
जो शरीर और सेल्फ ये दोनों की जो जिम्मेदारी है वही दो अगले भाव है। संबंधी के शरीर के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है उसको कहा ममता या केयर। शरीर संबंधी के शरीर को पोषण व संरक्षण की जो स्वीकृति का भाव मुझ में आता है, एक मिनट रुकिएगा बस, जो संबंधी के शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव आता है इसको कहा ममता या केयर का भाव। जो संबंधी के मैं के प्रति जिम्मेदारी और समझदारी का भाव आता है इसको कहा वात्सल्य या गाइडेंस का भाव। और ये स्नेह का नेचुरल आउटकम है। अगर हमने किसी को संबंधी स्वीकार लिया है ये ममता और वात्सल्य अपने से निकल कर आएगा, हमको कोई बहुत उसके लिए मेहनत नहीं। जैसे माँ बच्चे को अपना संबंधी स्वीकार लेती है, माँ पूरी कोशिश करती है कि भाई बच्चे का जो है वो उसके शरीर का पूरा ध्यान रखे। पिताजी को ये बात ध्यान में आती है कि बच्चे को समझदार जिम्मेदार बनाना है, तो ये ध्यान रखते हैं कि भाई वो अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी जगह जाए और समझदार जिम्मेदार बने। क्या केवल ममता जो है वो माँ से रिलेट होगी, गाइडेंस पिता से रिलेट होगा, या फिर पिताजी भी केयर कर सकते हैं और माँ भी गाइडेंस कर सकती है? क्या लगता है, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। बढ़िया, क्या दिखता है अगर बात ध्यान में आ जाती है तो पिताजी भी जो है वो ममता का भाव रखते हैं और माता जी भी जो है वो गाइडेंस का भाव रख सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल पिता और माता जी, जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो भी ये ध्यान रखता है कि भाई माता जी की स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, माता जी ने खाना खाया कि नहीं, पिताजी ने खाया कि नहीं, वो बच्चा भी वो ममता का भाव आ सकता है, गाइडेंस का भाव जो है। अब छोटा बच्चा भी ये ध्यान रख रहा है कि भाई मेरी माँ जो है वो मोबाइल चला ले, वो व्हाट्सएप से बात कर पाए, वीडियो कॉल कर पाए, वो भी ध्यान रख रहा है, पिताजी ऐसा कर पाए, वो गाइडेंस का भी भाव जो है। तो ये हर मानव में हर एक मानव के प्रति आ सकता है। ममता और वात्सल्य स्नेह का, ममता और वात्सल्य स्नेह का सहज प्रतिफल है। जी सत्य प्रकाश जी, ममता एवं वात्सल्य स्नेह का सहज प्रतिफल है। आज हम सत्य प्रकाश भी है, आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं? अच्छा, तो गलती से हो गया। आज हम ममता और वात्सल्य दोनों को सुनिश्चित कर रहे हैं या अधिकांश समय सिर्फ ममता का ही ध्यान रखते हैं? जैसे क्या बच्चों को खाना खिलाते समय शरीर के साथ साथ मैं का भी ध्यान रखते हैं, या हम बच्चा खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे को मारना शुरू कर दे रहे हैं? जब मारना शुरू कर दे रहे हैं तो क्या हम मैं का ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? परीक्षित भैया मेरी बताइए, आवाज ठीक आ रही है? अभी चैट बॉक्स में लिखा आवाज कुछ धीरी आ रही है। नहीं ठीक है भैया जी। तो क्या हम ये बात ध्यान में आ पा रहे हैं, बच्चा कपड़ा नहीं पहन रहा है तो हम उसको मार रहे हैं, जब ये मार रहे हैं तो क्या उसके मैं का भी ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? अभी ऐसा हम भी मतलब जब छोटे थे क्या ऐसा कभी हुआ कि हम भूखे हों और चुपचाप भी हों? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। हम भूखे भी हों चुपचाप भी हों, ऐसा कभी हुआ क्या? तो दिखता नहीं, लेकिन अभी हमको लगता है कि हमारा बच्चा भूखा है और वो बोल नहीं रहा है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, खाना भी नहीं खाएगा तो फिर हम उसको ठूस ठूस के खिला रहे, वो मना कर रहा है तो उसका ध्यान हमने मोबाइल में लगा दिया कि बच्चा मोबाइल देखे। और मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर ये मोबाइल नहीं होता तो ये बच्चे कैसे खाना खाते। आज की डेट में जो 2-3 साल से लेकर 7-8 साल तक के बच्चे हैं, तो बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खा पा रहे हैं।
और जब ये मोबाइल नहीं था तो हम लोग कैसे खाना खाए? हम लोग थोड़ा सा कुछ खाए, दौड़ भाग कर लिए, फिर आए, फिर खा लिए जो रोटी के डिब्बे में रखा हो, जैसा हो। लेकिन अभी क्या है कि वो बच्चों का बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, हम उनको खाना जो है वो जबरदस्ती उनको खिला रहे हैं। और अभी देखा जाए तो बहुत सारा ओबिसिटी के भी शिकार होते जा रहे हैं बच्चे, और बच्चे ही नहीं बड़े भी, सभी लोग, ये भी होता जा रहा है। क्यों हम खाना खाते टाइम क्या शरीर का भी पूरी तरह से ध्यान रख पा रहे हैं, या हमारा फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा बच्चा खा ले, दूसरे से ज्यादा खा ले। अब हम ये खिला रहे हैं कि दूध पी लो, नहीं तो वो पड़ोसी का बच्चा आके पी जाएगा। अब इस बच्चे में और पड़ोसी के बच्चे में संबंध का भाव रहेगा या द्वेष का भाव आ जाएगा, क्या भाव आ जाएगा? पर हम ये सब चीजें तो कर ही रहे हैं बच्चे के साथ, हमको लगता है कि इससे हमारा बच्चा खाना खा ले। ठीक, यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं हम लोग। तो क्या हम ममता और वात्सल्य दोनों सुनिश्चित करते हैं, या ज्यादातर समय ज्यादातर ध्यान ममता पर केंद्रित रहता है? अब जो ममता पर भी केंद्रित है और जो वात्सल्य की बात कर रहे हैं, तो वात्सल्य भी हम उसकी जिम्मेदारी स्वीकार पा रहे हैं, या हमने उसकी जिम्मेदारी भी कोचिंग ट्यूशन स्कूल को दे दी है? अपने बच्चों का जो हमने जिम्मेदार समझदार बनाने का काम जो है वो हमने स्कूल कॉलेज और कोचिंग को ठेके पर दे दिया है, क्या ऐसा है? या हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि हमारा बच्चा समझदार जिम्मेदार बने, हमारा संबंधी समझदार जिम्मेदार बने? यहाँ पर एक प्रश्न भी हम लोग ले लेते हैं। प्रभा बैरागी जी हैं, नमस्ते प्रभा जी। अगर वात्सल्य को देखें तो एक घटना और ध्यान में आती है। एक बार एक इसी तरह के पिताजी से बात चल रही थी, तो बोले कि वो जो ये सब तो आपकी बात ठीक है, पर ठंड के समय है और जो मेरा बच्चा है वो टोपी नहीं लगाता है, और वो जैसे ही उसको घर से तो जबरदस्ती लगा के भेजो, और जैसे ही वो जाता है गाड़ी में बस में बैठता है, रोज दिखता है हम लोग को कि टोपी उतार दे रहा है, और उसका रोज का ये अब सर्दी हो जाएगी तो कैसे करें, तो उसको हमको मार मार के टोपी लगानी पड़ती है। और ठीक है, उससे चर्चा की जाए, उससे बातचीत की जाए। अब जब अगले दिन पिताजी ने बातचीत की तो बोले क्या बातचीत की जाए, तो बोले बेटा ये बताओ कि आपको भाई जब बाहर जा रहे हो तो बाहर मौसम कैसा है, ठंडा है कि गर्म है? तो बोले ठंड है। बोले अगर अगर ठंड लग जाएगी, और ठंड जनरली जो है वो सर से या कान से इस तरह से लग रही है, तो अगर ठंड लग जाएगी तो मैं स्वस्थ रहूंगा या तबीयत गड़बड़ हो जाएगी? बोले तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। बोले तुम किस स्थिति में रहना ठीक लगता है, स्वस्थ रहना ठीक लगता है या तबीयत खराब रहना ठीक लगता है? तो बोले स्वस्थ रहना ठीक लगता है। तो बस इतनी चर्चा उस बच्चे से हुई, तो उस बच्चे के ध्यान में कुछ बात गई, तो वो टोपी लेके तो गया लेकिन लगाई नहीं उसने। तो बोले आज भी नहीं लगाई टोपी उसने, लेके तो गया लेकिन वो खुद से। तो बोले ठीक है, इतनी जल्दी भी ना करें, हम थोड़ा एक दो दिन ध्यान दें। तो लेकिन जब एक दो दिन उसके साथ ध्यान दिया गया तो वो देखा कि वो बच्चा अपने आप से लगाने लगा। अभी हमको लगता है कि हम जबरदस्ती सब करा दें बच्चे से, क्योंकि हमको सब पता चल गया है, हम दूसरे को सिखा दें, ऐसा हमको ध्यान में आता है। एक रिफ्लेक्शन और ले लेते हैं यहाँ पर निधि चतुर्वेदी जी से। जी निधि जी बताओ। जी सर, सर मेरा प्रश्न था कि अभी आपने जैसे बोला ममता एवं वात्सल्य, तो वात्सल्य तो ठीक है जो बड़े हैं उनका छोटों के प्रति प्रेम, और ममता मुझे लगता है सर जो माँ का स्नेह होता है अपने बच्चे के लिए वो होता है। तो सर इन दोनों में यदि मैं देखती हूँ तो मैंने ममता और वात्सल्य दोनों स्नेह अपने बच्चे को दिए है। लेकिन आपने जो बोला था कि मोबाइल वाली बात तो बिल्कुल सही थी सर, मेरा बच्चा भी खाना नहीं खाता था तो मैं उसको मोबाइल देती थी, या कई बार बोल देती थी कि वो मतलब तुम्हारा छोटा भाई या जो भी है तो वो खा लेगा। तो सही बात है कि हम अपने बच्चों में बचपन से ही ईर्ष्या के भाव रखने लगते हैं दूसरों के प्रति, और उसका रिजल्ट भी ये हुआ सर कि अब जब भी उस बच्चे का नाम आता है तो बोल देता अरे मम्मा आप तो जब देखो तो उसी से मेरी कॉम्पिटिशन कराते रहते हो। तो सर आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, थैंक यू प्रदीप सर। जी बढ़िया। तो मुझे लगता है ये क्या है कि अगर हमको केवल अच्छा लगता है तो
वो ये 4-5 दिन बातें जो हैं हम तक साथ में रहती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो खत्म होती जाती है। लेकिन अगर अच्छा लगने के साथ साथ हमारी समझ में भी आ जाए और हमारे जीने तक भी वो बात पहुंचे, तो वहां से हमारे में कुछ मतलब ठीक ठीक ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हो पाता है। जी सर, बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग एक सुनीता शर्मा जी का हैंड रेस है। जी नमस्ते सुनीता जी। नमस्कार सर। जी सर, इस संदर्भ में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी सर। जी जैसे मेरे घर में मेरी भांजी रहती थी बचपन से ही, वो हम लोग के साथ ही है, तो उसका कंपटीशन हमारे एक मामा जी की भी लड़की सेम उम्र की थी उसके साथ हमेशा करते थे, देखो वो इतना अच्छा करती है तुम इतना, तो वो अपने आप को उसके साथ कंपैरिजन में ही रहती थी। अब चूंकि वो जो थी बहुत सुंदर, पढ़ने में भी बहुत अच्छी, और जो मेरी भांजी है थोड़ा उससे उसका कलर भी दबा हुआ, और चूंकि वो मामा के घर रहती है तो उसका भी थोड़ा उसका था थोड़ी सी अंदरहीन भावना, लेकिन जब हमारे घर के लोग उसके साथ बहुत कंपैरिजन करते थे। अब स्थिति ये है सर कि जो मेरी भांजी है वो अगर उसका नाम भी ले लिया जाए तो चिढ़ती है और बोलती है कि मेरा कंपटीशन मत करो और ये मत करो, क्योंकि वो अभी भी मतलब उसको लगता है कि वो उससे बहुत ऊपर है और वो बहुत नीचे है। जैसे वो कई विदेश यात्राएं वगैरह करी आई और ये नहीं कर पाई, तो इसके अंदर लगता है कि तो ये जो अंदर उसके अंदर जो एक बैठ गया है कहीं ना कहीं वो हमारे बड़ों की ही देन है। हो सकता है बड़े इसलिए कह रहे हैं कि वो आगे और अच्छा पढ़े और अच्छा भविष्य बनाए, पर कहीं ना कहीं हमने उसके जीवन के एक पहलू को गलत दिशा में उसको मोड़ दिया सर। तो ये बात मुझे समझ में आई, तो मुझे ये कहना है कि शायद हमें इस तरह का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसके उसके अंदर जो मैं है उसको उसका भी सम्मान कर किया जाना चाहिए था। थैंक यू सर। ठीक बात है, अच्छा है, ध्यान जा रहा है हम सभी लोगों का, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब हमको अगर ध्यान जा रहा है तो ये बात भी ध्यान रखनी कि भाई ऐसा तो है नहीं कि बात हमको पता थी और हम नहीं बता पाए, तो ये ध्यान आया कि भाई हमने ध्यान नहीं दे पाया तो नहीं बता पाए, लेकिन अगर हम अब हमारे ध्यान में आया है तो हम भी अपने जीने पे भी काम करेंगे, सामने जी, वाले व्यक्ति का भी सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल सर, बढ़िया। तो ये जी धन्यवाद। तो ये दिखता है कि भाई अगर ज्यादातर ध्यान ममता पर केंद्रित रहता है, ऐसा भी 45% लोग कह रहे हैं, और ममता वात्सल्य दोनों को ही सुनिश्चित कर पा रहे हैं ऐसा 55% लोग जो है वो कह रहे हैं। हम थोड़ा इसमें भी अपने में बहुत ध्यान से देखें, क्या वाकई हम ममता और वात्सल्य इसको सुनिश्चित कर पा रहे हैं, या केवल हम बच्चों को कपड़े जो वो बोल रहा है वो पहना दे रहे हैं और भोजन जैसा हो वैसा कर लें, पोषण और संरक्षण के रूप में कर पा रहे हैं इसको या नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी अपने में जांच परख करें। ये पोल तो केवल रिफ्लेक्शन के लिए है। अब अगर ये बात ध्यान में आती है कि भाई अगर जब हम वात्सल्य गाइडेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान ये है कि भाई बच्चा समझदार जिम्मेदार बन जाए, समझदार जिम्मेदार मतलब श्रेष्ठता श्रेष्ठ हो जाए, ये हमारा प्रयास है। तो जो श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव हम में आता है इसको कह रहे हैं श्रद्धा, कि श्रेष्ठता की स्वीकृति है, हमने श्रेष्ठ होना ठीक चीज है, इसकी जो स्वीकृति का भाव आता है इसको कह रहे हैं श्रद्धा। और जो सही समझ की पूर्णता हो जाती है, मेरे में सही समझ की पूर्णता हो जा रही है, उसको कह रहे हैं श्रेष्ठता, कंप्लीटनेस ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। श्रेष्ठता के लिए कार्य करना और एक दूसरे के साथ स्पर्धा करना एक बात नहीं है। श्रेष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने में सहायता करता है, जबकि प्रतियोगिता में अपने स्तर तक पहुंचने से रोकता है। अभी देखें, क्लास में फर्स्ट एक ही बच्चा आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट ना है, फर्स्ट एक ही बच्चा आ सकता है, लेकिन जो भी पढ़ाया जा रहा है वो क्लास में समझ लें तो ऐसा दिखता है कि सभी बच्चे समझ सकते हैं उसको,
लेकिन अभी हमारा फोकस कहाँ है, फर्स्ट आने में हो गया है या सभी बच्चे समझ जाएं इसमें है। और टीचर भी जो है वो 40 बच्चे अगर हैं तो उनको ये बता रहा है कि आप सभी को एक एक करके अगर आपको फर्स्ट आना है, फर्स्ट तो कोई एक ही आ सकता है, लेकिन जो बात बताई जा रही है वो सभी लोग समझ सकते हैं। अभी देखें हम अपने परिवार में ज्यादातर क्या काम कर रहे हैं, श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, इसको भी हम अपने में जांच परख करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। और सहज रूप से क्या स्वीकार है, श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना या दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, क्या सहज रूप से स्वीकार है? तो कल्पना खंडेलवाल जी हैं, नमस्ते कल्पना जी। हेलो जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, मैं मुझसे आप सुनना चाह रहे थे। हाँ आपका हैंड रेस था, सॉरी वो ना गलती से हो गया था। ठीक है ठीक है, आप अगर कोई बात नहीं, कोई सॉरी वाली बात नहीं, कोई बात रखना चाहेंगे आप अभी? श्रेष्ठता के लिए जो आपने भी क्वेश्चन करा है, तो श्रेष्ठता के लिए हम प्रयास ही करेंगे, प्रतिस्पर्धा में हम श्रेष्ठता तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम प्रतिस्पर्धा में ही रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो श्रेष्ठता के लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी, धन्यवाद। हेमंत जी, हेमंत निगम जी। जी सर, बोल रहा हूँ सर। नमस्ते, बताइए। नमस्कार सर। देखिए सर, जो पहले आपने दो बातें बोली थी, वात्सल्य की और ममता की, पहले तो उसके बारे में जानना चाहूँ कि वात्सल्य और ममता दोनों होने चाहिए माँ बाप में। आजकल दोनों ही चीजें होती हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों के अंदर ये भावना होती है। क्योंकि पहले एक जमाना था कि सिर्फ जो माँ होती थी वो हाउसवाइफ होती थी, तो वो केवल ममता ही थी उसके अंदर और वो अपना पालन पोषण पे ध्यान देती थी। जो पिता होता था वो जिम्मेदारियों पे ध्यान देता था कि ये अच्छा इंसान बने, आगे बढ़े और इसकी प्रति मेरी जिम्मेदारी। लेकिन अब दोनों ही समानता का भाव जब से आया है और जब औरत भी आदमी के साथ बराबर से खड़ी हुई है और आगे बढ़ रही है और दोनों ही सर्विस क्लास में भी आ गए हैं, तो दोनों के अंदर ममता और उस वात्सल्य की भावना दोनों के अंदर है। दोनों ही चाहते हैं, दोनों ही प्यार करते हैं अपने बच्चों को और दोनों ही जिम्मेदारी उठाते हैं कि दोनों की बच्चा हमारा आगे बढ़े, समझदार बने और अपनी दिशा चुने और आगे बढ़े। ठीक है, जहां तक श्रेष्ठता वाली बात आती है कि बच्चा श्रेष्ठ बने या कंपटीशन करे, तो मेरा ये मानना है कि सर बच्चे का कंपटीशन खुद से होना चाहिए। हमारे परिवार में कंपटीशन, हम अपने खुद बेंचमार्क तय करें कि हमको क्या करना है, हमारे बच्चे को क्या करना है, और किसी से उसका कंपटीशन ना करें। क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अपने आप में अलग होता है, श्रेष्ठ होता है। सबकी अपने बेंचमार्क है, सबकी अपनी एबिलिटी है, वो कोई आगे है कोई पीछे है, इसका किसी से भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। कल भी आपने ये बात बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात कि हमको बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए और तुलना नहीं करनी चाहिए बच्चों की। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा दूसरे बच्चा से अच्छा है या उससे कंपेयर करके अपने बच्चों को कम आके जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा बच्चा कमजोर है। हमने सर ये बात अपनी लाइफ में अनुभव की है कि जो बच्चा कमजोर है, सब उसके लिए मैं ही था, मैं कमजोर स्टूडेंट था, मेरे मार्क्स हमेशा एक एवरेज मार्क्स आते थे। लेकिन क्या मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ? मैं लाइफ में जो मेरे से अच्छे मार्क्स आते थे उनसे ज्यादा भी सक्सेस हुआ। तो परफॉर्म कहाँ करना है? जब हमको जॉब में जाना है या बिजनेस में जाना है, वहां परफॉर्म करना है। क्योंकि वहां हमारा कोई भी ये नहीं चलता कि हमें नहीं परफॉर्म करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल रह जाएंगे पीछे। हमको वहां, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे मार्क्स कम आए, हमने बच्चों को डांट दिया और दूसरे से कंपेयर किया, तो ऐसा नहीं है। जिसके 50% मार्क्स आते हैं वो भी लाइफ में सक्सेस होता है, जो 90 अबव वाला आता है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो भी परफॉर्म करते हो। कई बार वो दोनों भी नहीं परफॉर्म करते हैं लाइफ में, चाहे वो जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। तो ये कहना कि हमें अपने बच्चे के लिए काम करना है, उसकी योग्यता को पहचानना है, उसको भी बताना है कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है, वो भी अपनी एबिलिटी को जाने, उसके एनालिसिस करे, वो किसी से प्रतिस्पर्धा ना करे, ये हमको सिखाना है। उसकी प्रतिस्पर्धा खुद से होना चाहिए कि वो अपने बारे में एनालिस करके आगे बढ़े और वो किसी से अपना कंपटीशन ना करे। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में श्रेष्ठ होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एवरी
जो मैन होता है वो देयर इज नॉट बी नाइस बट देयर इज समथिंग नाइस इज एवरीवन, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई श्रेष्ठता होती है, इसी तरह हर लड़के में हर बच्चे में कोई ना कोई श्रेष्ठता होती है, हमें उस प्रति जो उसके अंदर श्रेष्ठता है, जो उसके अंदर एबिलिटी है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, हमें उसको बाहर निकालना है, उसको जज करके, और उस बच्चे को भी बताना है कि वो अपने बारे में भी जैसे जैसे बड़ा हो जज करे, अपने बारे एनालिसिस करके क्या कर सकता है लाइफ में, जरूर नहीं है कि हमने जो किया उसको उसको थोपे उसको किसी भी चीज को। जी आपकी ये मेरा कहना है जी, तक आपकी बात पहुंची और बात ठीक भी है, पर मुझे यहाँ पर ये ध्यान दिलाना है कि हम ये ध्यान मतलब ये इस बात को देख पाए कि हम जो ये एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं तो वो सही समझ की पूर्णता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा ये ध्यान तो नहीं है कि सुविधा सबसे ज्यादा हो जाएगी तो एक्सीलेंस हो जाएंगे, सुविधा के साथ साथ हमारा जो बच्चा है जो भी व्यक्ति को हम देख रहे हैं वो परिवार में सही समझ सही जिम्मेदारी के साथ जी पा रहा है कि नहीं, समाज में वो सही समझ और जिम्मेदारी के साथ जी पा रहा है कि नहीं, प्रकृति अस्तित्व में वो सही समझ और जिम्मेदारी के साथ जी पा रहा है कि नहीं, हमको ये इस बात का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सर, सुविधा तो सर पहले भी नहीं थी, लोग गरीब थे फिर भी बच्चे पढ़ते थे, आगे बड़े कलेक्टर देखिए वो भी पास्ट था हमारा, सुविधा नहीं थी ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भाई उस टाइम भी लोग खाना खा रहे थे, कपड़ा पहन रहे थे, सुविधा का मतलब भौतिक सुख सुविधाओं से है सर, मेरा पोषण से नहीं है मेरा। तो अभी क्या है ना, हमने कुछ अपनी अलग सुविधा मान ली, हमने दूसरे व्यक्ति को माना कि उसकी अलग सुविधा है, ये नहीं मानना। काफी अच्छे से आप हाँ, पा रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर जी, धन्यवाद। तो ये दिखता है कि भाई लगभग 88% लोग ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना है, 13% लोग ये भी कह रहे हैं कि दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना ठीक है, अगर ऐसे लोग हैं तो हैंड रेस कर दे, मैं उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे, उनसे भी ऐसा क्यों लग रहा है, हैंड डाउन कर दिया है सभी के, अगर कुछ लोग ऐसी बात करना चाहते हैं कि भाई दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना ठीक है तो उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। जी जेपी आनंद जी हैं, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते सभी को, मैं ये कहना चाहता हूँ ये बात सही है, श्रेष्ठता के लिए कार्य करना दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा एक बात नहीं है, लेकिन देखिए छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ तुरंत समझ में आ जाएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी एक ओवर में 10 रन बनाता है, वो बना रहा है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, जब पता लगता है कि दूसरे जिले में एक खिलाड़ी वही खिलाड़ी एक ओवर में 20 रन बना रहे, जब तक हम प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो श्रेष्ठ बन नहीं पाएंगे, श्रेष्ठ अपने आप में संपूर्ण है ये कह नहीं सकते, क्योंकि यदि आपको आगे बढ़ना है, विकास करना है और चीज़ों को और करना है तो प्रतिस्पर्धा तो करनी पड़ेगी। हाँ हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, उसमें यह नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मेरा मानना है कि प्रतिस्पर्धा के साथ रखते रखते ही श्रेष्ठ बना जाता है, अदरवाइज वो मैं अपने आप को मानूँ श्रेष्ठ हूँ ऐसा हो नहीं सकता, जब तक कि मैं ये नहीं जानूंगा कि दूसरे साथ कम्पीट नहीं करूंगा, और हम सब प्रतियोगिता कम्पीट करके ही आगे बढ़ते हैं जैसा समाज में आज देख रहे हैं कर रहे हैं, तो ऐसा मेरा मानना है जी। अभी देखिए क्या होता है कि हमको कॉम्पिटिशन तो सहज स्वीकार होता नहीं है, तो हमने उसमें जोड़ दिया हेल्दी कॉम्पिटिशन। अभी जो हम क्रिकेट खेल रहे हैं या इस तरह का कोई खेल कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, कि उद्देश्य ये है कि हम स्वस्थ रहें या उद्देश्य ये है कि हम रिकॉर्ड बनाएं पैसा कमाएं, क्या उद्देश्य है इसको हमको देखना है। नहीं ना रिकॉर्ड बनाना स्वस्थ रहना, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिकेट में एग्जांपल समझो एक अच्छा समाज सेवा का या देश सेवा को अच्छा काम कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठ बने, हम देश का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा सेनाओं को इतना श्रेष्ठ बनाए कि कोई हमारी आंख उठा के नहीं दे सके, इसका मतलब ऐसा एग्जाम्पल से मत करिए, आप समझिए चीजों को, क्षेत्र में स्किल्ड निपुणता और श्रेष्ठता होना जरूरी है, अदरवाइज हम ऐसे चांद पे नहीं जा पाएंगे, बड़े काम नहीं कर पाएंगे जी। जो जो स्किल की बात कर रहे हैं हम लोग तो वो स्किल की बात कॉम्पिटेंस की बात है, वो स्किल वो कितना उस व्यक्ति की, जो यहाँ पर हम योग्यता की बात कर रहे हैं स्किल की बात, वो योग्यता नहीं है, वो योग्यता समझ है, जो स्किल है वो हर एक का अलग अलग हो सकता है, कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो खेल खेल रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो साइंटिस्ट है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है, स्किल सबका अलग अलग हो सकता है, फील्ड अलग अलग हो सकती है, पर श्रेष्ठ जो है वो सही समझ, जो जीना है मानव का जीना है, चारों स्तर को जो जीना है उसको समझ के उसके अधिकार पर जी पाए, तो ये कुछ ही लोग कर पाएंगे, हर एक कर सकता है श्रेष्ठ। हाँ मतलब सभी बन सकते हैं, सभी कर सकते हैं, सभी बन सकते हैं। अब श्रेष्ठ बनने के लिए क्या कंपटीशन की जरूरत है?
जरूरत तो है। देखिए अब आंकलन कैसे करेंगे, बेंचमार्क क्या रहेगा? आप इसको स्वयं भी बोलते हैं, आपने डिग्री कर दी मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा नहीं होता है। आप खुद बोलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, मतलब आप महसूस कर रहे हैं सबको सुखी हूँ, हो सकता है आपसे ज्यादा मन की शांति रखने वाला वो सुखी हो, ऐसा ही हो सकता है ना। ठीक है, जो जो मन की शांति और रख रहा है, और तो इस तरह के व्यक्ति से कंपटीशन करना है क्या? हम कंपटीशन हाँ ये प्रतिस्पर्धा करना है, तो प्रतिस्पर्धा से ही आदमी को आगे बढ़ने का वो मिलता है, ये कहना चाहता हूँ। मतलब स्टैंड अलोन आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। अभी देखें, अगर श्रेष्ठता हमको ध्यान में रहती है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि दूसरे व्यक्ति को भी अपने स्तर पर ले आए, लेकिन अगर प्रतियोगिता में लगे रहते हैं तो हमारा ये ध्यान रहता है कि दूसरे स्तर, दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर तक पहुंचने से रोकें, इस तरह का दिखाई देता है। कोई रोक नहीं रहा किसी को, देख तो आप भी करिए, आप और भी श्रेष्ठ बनिए, आप थोड़ी अगर आप हाँ अगर आप हेल्थी कंपटीशन को श्रेष्ठता हाँ, कह रहे हैं, हेल्थी कंपटीशन को के माध्यम से श्रेष्ठता ली जाती है, कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उसका एक मैं कहता हूँ, अकेले अकेले कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता, ये मैं कहना चाहता हूँ। नापो कैसे, हर चीज का पैरामीटर होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जब जब भी नापोगे तो उसको किसी से तुलना ही करना पड़ेगा, ये वो होती प्रतिस्पर्धा। और जी मुझे अगर ये दिख जाता है कि कोई व्यक्ति जो है उसका व्यवहार, उसका कार्य, उसका जीना मुझसे अच्छा है, तो मैं उससे सहयोग कर लेता हूँ कि भाई मेरा जीना जो है वो ठीक हो सके, मेरे में सही समझ हो सके, इसमें कॉम्पिटिशन का भाव तो मुझे नहीं दिखता है। ये प्रतिस्पर्धा नहीं, ये कॉम्पिटिशन नहीं, ये इसको भी हम कॉम्पिटिशन बोल रहे हैं। कॉम्पिटिशन मतलब आपको ए और बी में बी से अच्छा ये लेके ए को अच्छा बनना, ये कहता हूँ। मतलब सी के आगे बनना, उसको नाम आप प्रतिस्पर्धा दो, कुछ भी नाम, दो लोग जरूरी है। मतलब इतना अकेले श्रेष्ठ नहीं बन सकता, डिक्लेयर नहीं कर सकता, कोई डिक्लेयर नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। ठीक ठीक है, मेरी आवाज स्लो आ रही है या आपकी? तो ये बहुत अच्छे से आ रही है, जेपी जी की स्लो आ रही है। तो ये जो हेल्दी डिस्कशन, मतलब इस डिस्कशन का जो लाभ मिलना चाहिए मुझे, मैं नहीं ले पा रही हूँ, बस ये कहते मुझे जो इस मतलब पूरी चर्चा इस तरह से चल रही है कि जो प्रतियोगिता है उससे श्रेष्ठ बना जा सकता है, इस तरह की कुछ बात जेपी आनंद जी रख रहे हैं, ऐसा ही कह रहे हैं आप? जी हाँ, यस सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। जबकि हम जो बात यहाँ से रख रहे हैं वो ये ध्यान दिलाने की, मतलब हम अपनी बात रख रहे हैं कि प्रतियोगिता जब भी हम करते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर तक आने से हम रोकें। हमने जो भी इस तरह की प्रतियोगिता देखेंगे, भाई जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, अगर उसको आके बोल दिया कि भाई इसी में फर्स्ट आ पाए, एक ही क्लास में, अगले में आके दिखाओ, अब वो बच्चा इसके लिए जो है वो परेशान है कि मैं कैसे फर्स्ट आ जाऊं और दूसरा व्यक्ति ना आ पाए। इस तरह का भी बहुत सारे प्रयास जो है वो दिखता है कि कर ही रहे हैं, लेकिन अगर अपने जी हेल्थी सबका यूज किया ना, हेल्थी हाँ, तो अगर अगर आप जी जी अगर आप हेल्थी कॉम्पिटिशन को श्रेष्ठता से मतलब जोड़ के बात कर रहे हैं, जोड़ के बात नहीं कर रहे हैं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आप श्रेष्ठ बन सकते हो, ये कहता हूं। तो अगर थोड़ा सा उसका स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का अगर उदाहरण दें आप, कोई ऐसा उदाहरण दिया ना कि आप मतलब यही अभी क्रिकेट का उदाहरण दिया, आप अच्छा ईमानदार से खेलिए, आप अपने आप को और स्वस्थ बनाइए और चीजों को किसी किसी चीज को बारीकियों से देखिए, आप सीखोगे ना, समय से आता है और एक दिन वो श्रेष्ठ बनता भी है। और आज मन में गुस्सा कर जाओगे, मन में आप एक विचार रख लिया, वो कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा। जो क्रिकेट खेल कर, जो कोई इस तरह का कंपटीशन करके वो श्रेष्ठ बन रहा है या विशेष बन रहा है, इसको भी हम देख लें। नहीं, वो अपने श्रेष्ठ फील्ड में श्रेष्ठ है, ये हर हर आप चलिए हाँ। आप बताइए कोई एग्जांपल समझो, कोई किस में श्रेष्ठ है? देखिए हर चीज श्रेष्ठ होता है ना। हाँ आपके दृष्टि में अच्छा लेखक है वो श्रेष्ठ है, जो अच्छी कविता करता है वो श्रेष्ठ है। जी जी यही जी जो अच्छी मैं बोल रहा हूँ तो मैं अच्छा वक्ता हूँ, तो ये भी श्रेष्ठता है ना, ये इसी फील्ड में है। देखिए जो हाँ जी आनंद जी, मैं आपकी बात समझ गया आनंद जी। जो हम किसी एक फील्ड में बात कर रहे हैं तो वो विशेषता की बात कर रहे हैं, हम किसी एक फील्ड में हम अच्छा खेल ले रहे हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो एक फील्ड की बात हो रही है, वो विशेषता है।
लेकिन जो श्रेष्ठता है वो सही समझ की पूर्णता है, मानव की वो बनती है, मानव की पर्सनलिटी बनती है, इसी से आप बोलते हो मानव श्रेष्ठ है, मानव बहुत सारे गुण होते हैं, ये कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, इसको विराम दीजिए, टाइम भी बहुत हो रहा है। जी जी, मुझे लगता है थोड़ा सा और। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच जी। तो जो बात यहाँ से रखी जा रही है वो ये है कि जो श्रेष्ठता है वो सही समझ की पूर्णता है, जबकि विशेषता जो है वो किसी एक फील्ड की हो सकती है। कोई व्यक्ति अच्छा बोल ले रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा गाना गा ले रहा है, कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा ले रहा है, कोई बहुत सारा रिसर्च कर लिया, साइंटिस्ट हो गया, तो वो जो साइंटिस्ट है वो अपनी फील्ड का एक विशेषज्ञ हो गया है, विशेष व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ भी है, ऐसा कहना ठीक तो नहीं है। जी अनीता जी। जी भैया, यहाँ मेरे को मेरे मन में एक बात आई और मैं रखना चाह रही हूँ, प्लीज बताइए कि मैं सही सोच पा रही हूँ क्या। जैसे आपने कहा कि प्रतियोगिता, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई और भी सब समझ में आया। श्रेष्ठता में भैया आप कह रहे हैं सही समझ या जिम्मेदारी का भाव, यानी एक दूसरे के साथ हम जो चारों स्तरों पर जीने पर जीने का जो हमारा भाव है, चाहे खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ, इसके साथ हम अगर सही समझ या जिम्मेदारी के भाव से जीते हैं तो ये समझ की पूर्णता है और ये श्रेष्ठता का भाव है। मैं इस तरह से देख रही हूँ, क्या मैं ठीक देख पा रही हूँ? जी अनीता जी, ये ऐसा ठीक है कि हम यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाह रही हूँ। तो शुरू में हम जो सहज स्वीकृति की जो बात कर रहे हैं और सही समझ की बात कर रहे हैं, तो क्या ये और वो सही समझ हमारी जो शुरू से हम जिसको बात कर रहे हैं कि हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सही समझ, तो क्या वापस उसको हम श्रेष्ठता के रूप में देखने का प्रयास कर सकते हैं क्या? ये मैं मेरा प्रश्न जी, जी अगर मेरी कल्पनाशीलता जो है वो सहज स्वीकृति के आधार पर निरंतर चल पाती है, मैं अपने आप में निरंतर सुखी और समृद्ध होकर जी पाता हूँ, तो इसी को जो है श्रेष्ठ कह रहे हैं। हाँ, मतलब हम उन दोनों को मान सकते हैं कि सहज स्वीकृति, यानी मेरी कल्पनाशीलता सहज स्वीकृति के साथ चल रही है तो मैं श्रेष्ठता की दिशा में कार्य कर रहा हूँ, ये मुझे समझ में आया। जी, तो हमारा प्रयास तो ये दिखता है कि भाई जो श्रेष्ठता के लिए ही हमारा प्रयास है कि हम अपने में समझ के साथ, सही समझ के साथ जी पाए, तो हमारा प्रयास जो है वो सही समझ के लिए, श्रेष्ठता के लिए दिखाई देता है। अब जब श्रेष्ठता के लिए हम प्रयास करते हैं, जी कुमार भैया, मुझे लगता है एक बात हम लोग कि क्या श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता भी है क्या? जैसे अभी हम सही समझने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या इस बात की आवश्यकता कि सारे पार्टिसिपेंट्स के आपस में कॉम्पिटिशन कराई जाए कि किसको ज्यादा समझ में आ रहा है, किसको कम समझ में आ रहा है, उससे और बात स्पष्ट हो जाएगी तो अपने को दिखाई देगा कि श्रेष्ठता यानी सही समझ सही भाव के लिए तो हमें स्वयं में अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि दूसरे से तुलना करने की जरूरत है। तो हमें श्रेष्ठता के अर्थ को ठीक से समझने की जरूरत है, फिर वो प्रश्न का उत्तर सहज रूप से मिल जाता है। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया। तो अगर मतलब भैया की बात कुछ ध्यान में आ पाई तो ये बात भैया ने रखी कि अगर हमको श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना है तो बहुत कंपटीशन करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम प्रतिस्पर्धा में लगे हैं कि दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखाएं तो वहां बहुत सारा कंपटीशन जो है वो होता है। और जो कंपटीशन है, जैसा अभी आज सुबह की चर्चा में भी आया, बहुत मैडम ने अपना रिफ्लेक्शन भी रखा, तो कॉम्पिटिशन बहुत सहज स्वीकार हमको होता नहीं है, तो सहज स्वीकार नहीं है तो हमने उसका कुछ नाम बदल दिया कि हेल्थी कॉम्पिटिशन है और इस तरह का बहुत सारा हम कुछ नाम भी दे देते हैं। श्रेष्ठता के लिए प्रयास होता है तो दूसरा मेरे जैसा है और परस्पर पूरकता का भाव दिखता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास होता है तो ये नहीं दिख पाता है, दूसरा मेरे जैसा नहीं है, मैं विशेष हूँ, मैं अलग हूँ, मैं दूसरे से अलग हूँ, बेहतर हूँ, ये बात ध्यान में बनी रहती है। जब श्रेष्ठता को देखें तो भाव सह स्वीकृति के अधिकार पर निश्चित निरंतर बना रहता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास देखें तो वहां मान्यताओं पर आधारित है, अनिश्चित है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, बिना शर्तों के संबंध बना रहता है श्रेष्ठता में, दूसरे के पोषण का भाव बना रहता है,
लेकिन प्रतिस्पर्धा में देखें तो शर्तों पर आधारित रहता है, दूसरों के पोषण और शोषण कर भी कर सकते हैं, ये भी प्रतिस्पर्धा में दिखता है कि हमको अगर फर्स्ट आना है तो किसी का पोषण भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी पड़ा तो हम शोषण भी कर सकते हैं, अनिश्चित है ये चीज। जबकि श्रेष्ठता के लिए देखें तो दूसरे को अपने जैसा बनाने में सहयोग करने के लिए करते हैं, दूसरों के जैसा, जबकि प्रतिस्पर्धा में देखें तो दूसरों को अपने जैसा होने से रोकते हैं, भेद बनाए रखते हैं, ये बात चालाकी से शोषण करने का प्रयास रहता है। जबकि श्रेष्ठता में देखें तो निरपेक्ष, निश्चित तृप्ति बिंदु होती है, हम इसके लिए जब भी प्रयास करते हैं तो हम आराम में बने रहते हैं, जबकि हम प्रतिस्पर्धा के लिए जब भी प्रयास करते हैं तो अपने में आराम में नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं परेशान बने रहते हैं। तो ये बात श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा को लेकर हुई चर्चा। हम थोड़ा सा इस और कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए जो है जो अगले भाव हैं उनको देख लेते हैं। तो जो अगला भाव है, अगर हमको श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव हो गया, जिसको कहा श्रद्धा, कि श्रेष्ठता ठीक है, और श्रेष्ठता जो चारों स्तर की व्यवस्था को समझ के उसके अधिकार पर, उसके आधार पर जीना, उसको कहा श्रेष्ठता, एक्सीलेंस। एक्सीलेंस और एक्सपर्टाइज ये दो अलग अलग चीज है, जो श्रेष्ठता और विशेषता ये दो अलग अलग चीज है। जब गौरव की बात कर रहे हैं तो ये कहा कि जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसको कहा गौरव का भाव। जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो मुझ में भाव आता है उसको कहा श्रेष्ठता का भाव। अब मैं देख लूं कि भाई ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा भाव आता है कि भाई उन्होंने बहुत वहां पर कुछ काम किया, श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहां पर किसी व्यक्ति ने कुछ श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो मुझ में भाव आता है उसको कह रहे हैं श्रेष्ठता का, उसको कह रहे हैं गौरव का भाव। लेकिन जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव आ रहा है उसको कहा कृतज्ञता का भाव। जो व्यक्ति मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको कहा कृतज्ञता का भाव। बहुत सारे लोग हैं, इस हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमारा सहयोग करते हैं कि भाई ये सब बातें जो है हम ठीक तरह से पढ़ पाए, समझ पाए, अपने जीने में आ पाए, और तो ऐसे सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता का भाव, ये बात दिखता है। आप लोग बहुत सारा प्रश्न पूछ रहे हैं तो जब प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं तो अपने में बहुत सारा ध्यान जाता है, जब अपने में बहुत सारा ध्यान जाता है तो दिखता है कि भाई अपने में जो है वो डे बाय डे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप सबके प्रति भी कृतज्ञता का भाव, ऐसा सब दिखाई देता है अपने में। अगर इस कृतज्ञता के भाव को और थोड़ा डिटेल में देखें, अभी कोई व्यक्ति अगर मेरे लिए सुविधा दे देता है तो भाव बहुत निश्चित नहीं रहता है उसके प्रति, और हमने ये अक्सर लोगों को कहते सुना है ना कि उसने बताओ मैंने उसके साथ इतना सब किया उसके बाद भी जो है वो मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं हर मौके पर उसके साथ जो है वो उसको पैसे से, धन से, सुविधा से मदद करता रहा। अभी जब भी सुविधा से देते हैं तो उससे भाव बहुत निश्चित नहीं होता, लेकिन अगर कोई सही समझ और सही भाव हम तक पहुंचाता है तो वहां से जो है वो निश्चित भाव हम में बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति ये दिखता है कि कृतज्ञता का भाव जो है वो भी बना रहता है, ये बात ध्यान में आती है। अगर कृतज्ञता को और डिटेल में देखें तो दिखता है जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति भाव, मैं दूसरे के व्यवहार में ममता, स्नेह, विश्वास के भाव को देख पाता हूं, और मैं ये भी देख पाता हूं कि दूसरा मेरी सभी समझ और मेरी सही समझ और सही भावों में सहयोगी है। जो दूसरा व्यक्ति है वो ये प्रयास कर रहा है कि मैं भी समझदार और जिम्मेदार हो जाऊं, मेरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में भी मेरा सहयोगी है। संबंधों के निर्वाह में कृतज्ञता का भाव महत्वपूर्ण है। क्या हम ये हर एक व्यक्ति में देख पाते हैं कि कृतज्ञता का भाव है? बहुत सारे लोग यहाँ पर वर्कशॉप कराने में लगे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग पीछे नोट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारा लोग, पर क्या हम सबको देख पा रहे हैं या हम केवल उन्हीं लोगों को देख पा रहे हैं जो सामने आकर बोल ले रहे हैं? वो सब भी इस पूरे सहयोग में लगे हैं कि भाई ये वर्कशॉप अच्छे से चल पाए, लोगों तक बात जो है वो ठीक ढंग से पहुंच पाए। अपने में ध्यान देने को अगर देखें, ध्यान देने योग्य बात जो है वो देखें, अगर क्या आप दोनों की प्रशंसा कर पाते हैं
जो आपके लिए किया गया और जो आपके लिए नहीं किया जा सका, या जो आपके लिए नहीं किया जा सका उसी पर ज्यादा ध्यान रहता है। उदाहरण के लिए अभी घर में जो है वो सब्जी बन रही है, तो उसके लिए सब्जी लाई गई, उसको धोया गया, काटा गया, उसको पकाया गया और उसमें बहुत सारा मसाला और गैस लगी और बहुत देर तक पकाया, सब कितना क्वांटिटी में डालना था ये सब उसमें डाल के उसको बनाया गया, लेकिन उसमें कभी जो है वो नमक कम हो गया। अब हमारा ध्यान किस पर है, नमक कम हो गया इस पर है या बहुत सारी चीजें जो उसमें डालकर उसको बनाया गया है उस पर है, हमारा किस ऊपर ध्यान है? और ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, थाली फेंक दे रहे हैं या सामने वाले से संवाद कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसमें कुछ नमक कम है, चेक करके देख लीजिए। क्या आप दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव निरंतर बना रहता है या कृतज्ञता का भाव कभी होता है कभी नहीं होता है? सामने वाले ने कुछ सुविधा दे दी तो कृतज्ञता का भाव दिख गया, नहीं दे पा रहा है तो नहीं दिख रहा है। क्या आपका प्रयास स्वयं में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने की और परस्परता में व्यक्त करने के अर्थ में होता है या दूसरों से भाव पाने के अर्थ में है? तो यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी हम लोग ले सकते हैं और हैंड भी रेज हैं कुछ लोगों के। मुकेश चंद्र जी हैं, नमस्ते मुकेश जी। रिफ्लेक्शन है, क्या आप दोनों को स्वीकार पाते हैं, क्या किया गया क्या नहीं किया गया, और ज्यादातर ध्यान क्या नहीं किया गया पर केंद्रित रहता है? जी नमस्ते मुकेश जी। सर नमस्ते, सभी को नमस्कार। सर प्रतियोगिता वाली चर्चा में थोड़ा बहुत बातचीत करना चाह रहा था और मुझे लगता है कि ये हम लोग जो ये चर्चा कर बातचीत करते हैं और एक नया एक आदर्शवादी बात चालू हो गई कि प्रतियोगिता वाकई बहुत खराब है और होना नहीं चाहिए, जिससे वो बहुत सारे मामलों में ठीक है कि हम दूसरों को दबाते हैं, उसमें नुकसान पहुंचा के जीतना चाहते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावना पैदा होती है, लेकिन इसके बगैर अपन ऐसा क्यों नहीं है बच्चों में भाव पैदा करना चाहिए अपने पालन पोषण में कि सब लोग किसी ना किसी मामले में श्रेष्ठ होते हैं और कहीं ना कहीं हमको हारना भी सीखना चाहिए। हम लोगों को इस बात पे भी जोर देना चाहिए कि आप हर चीज में श्रेष्ठ नहीं हो सकते, ये चीज वहां सिखाएं बनिस्बत इसके कि नहीं सब बराबर हैं, सब अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, सब सबके लिए एक दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि व्यवहार में और दुनिया में तो ऐसा जीवन में तो है नहीं है ना। और शिक्षा और पोषण में हमें तो पूरी दुनिया के हर भाव के प्रति अपना कैसे हम सामंजस्य बैठा पाए, कैसे हम उसमें ठीक से स्वस्थ कुशल रह पाए, उसके लिए एक तैयारी होना चाहिए। आपको आवाज आ रही है सर? जी भैया जी, आपकी आवाज आ रही है जी। कुमार भैया, अति से ज्यादा आदर्शवाद एक चालू हो गया, शुरू हो गया और उसमें इवन हम इस सीमा तक भी हो गया कि हम स्वस्थ कोई अगर इस पे पर्दा डालता है कि नहीं होना चाहिए प्रतियोगिता और स्वस्थ प्रतियोगिता वाली एक शब्द पैदा हुआ तो अपन उसको भी मतलब एक नकारने का भाव आ रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज में बाहर दुनिया में जब बच्चा निकलेगा तो उसे हर क्षण में उससे सामना करना पड़ रहा है, उसको करना पड़ेगा, तो क्यों ना ये भाव जगाया जाए कि आप हर जगह जीत नहीं सकते, आप किसी चीज में जीत सकते हो, प्रयास करना चाहिए, हारना आना चाहिए, हम सर्वशक्तिमान नहीं है, हम आदर्श की तरफ जा सकते हैं, इस तरह के भाव हमें जगाना भी एक उपाय हो सकता है। जी तो अभी कंपटीशन नहीं किया जाए ऐसा तो नहीं कहा गया, लेकिन ये बात ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या सहज स्वीकार है, कंपटीशन सहज स्वीकार है या श्रेष्ठता के लिए किया गया प्रयास सहज स्वीकार है? अगर हमको ये दिख जाता है कि श्रेष्ठता के लिए किया गया जो प्रयास है वही सहज स्वीकार है, तो जो 10 बच्चे कॉम्पिटिशन करके पढ़ने में या कोई दूसरा काम में लगे थे वो बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करके भी पढ़ सकते हैं जी। लेकिन अभी हमारा जो पूरा फोकस है अपने बच्चों के प्रति या अपने समाज में दूसरे लोगों के प्रति वो किस तरफ है, इसको हम अपने में देख लें तो ये दिखता है ज्यादा फोकस तो कंपटीशन के प्रति है जी। जी ये बात हो रही थी और जो आप शुरू से ही सुन रहे हैं जी तो जी, अगर
जी हाँ, तो अगर लगता है कि भाई ये जो बातें हैं ये व्यवहारिक हैं या व्यवहारिक नहीं है, इसको मुझे लगता है अपने में जांच लें। तो जो हमने आदर्शवाद या इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया, तो हम आदर्शवाद से क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यवहारिक ये बातें हैं या व्यवहारिक नहीं है, हम इसको भी अपने में जांच इसकी मात्रा पर सवाल है मेरा कि सर ये सब कुछ ऐसे ही हो जाए, इतने स्थित प्रज्ञता अगर रहे रखें कि बाहर कोई समस्या ही नहीं बचेगी, फिर तो अपन तो, मतलब कोई तो आप नहीं, मतलब क्या चाहते हैं, समस्या बची रहे कि ना बची रहे? नहीं वह तो हमारे चाहने से नहीं है ना सर, मतलब हम एक सामान्य बात करें कि क्या दुनिया में क्या है, तो क्या चाहिए, शब्द में सब कुछ साम्राज्य होना चाहिए, वो तो कोई नहीं मना करेगा, लेकिन मैं उस पर बात कर रहा कि ऐसा है बाहर और उसे हम बच्चे में ये भाव आए तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा कि भाई नहीं ठीक है मैं इस जगह हार गया। खेल हमें यही तो सिखाता है, खेल क्या, हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, अच्छा बनेंगे, अपनी क्षमताओं को निखारेंगे और हार भी होती है, ये भी एक नजरिया हो सकता है। खेल में तो हार जीत है, पर जब हम हर चीज को खेल से जोड़ सकते हैं, मतलब जी सर सॉरी जी, जब लेकिन जीने जा रहे हैं तो ये दिखता है कि भाई हमारा प्रयास जो भी चारों स्तर का है उसको समझने में रहे, उसमें अगर कहीं ध्यान नहीं जा पा रहा है तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ है हमसे ऊपर है वो व्यक्ति हमारा ध्यान दिला दे। जी जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। दूसरा भैया जी, यहाँ पे कुछ ले सकते हैं क्या भैया? कुछ आगे ले लेंगे हम लोग जी। अगर भैया अर्जेंट हो तो ले ही ले, मुझे लगता है जी भैया किया जा सकता है कुछ। ठीक है ठीक, सभी पार्टिसिपेंट का एक बार अपना स्वागत है, और अभी तक की जो चर्चा हुई उससे रिलेटेड 5 प्रश्नों का एक क्विज आपके समक्ष है, और इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच में हम सभी अपने माइक म्यूट रखेंगे ताकि आप सभी प्रश्नों को एक्सप्लोर कर सकें, रिस्पॉन्स कर सकें, और बीच बीच में आपको हम रिमेनिंग टाइम के बारे में अवगत कराते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। तीन मिनट का समय और शेष है क्विज में।
दो मिनट का समय और शेष है कुछ समाप्त होने में। लास्ट 30 सेकंड रिमेनिंग फॉर द क्विज। क्विज समाप्त होने में 30 सेकंड का समय और शेष है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी पांचों प्रश्नों को आंसर करते हुए सबमिट बटन को टाइमली प्रेस कर दें। क्विज का समय बस समाप्त होने वाला है। कुछ का समय बस समाप्त होने वाला है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स ये सभी पांचों प्रश्नों को आंसर करते हुए सबमिट बटन को टाइमली प्रेस कर दें। जी कुछ का समय समाप्त हो चुका है। जी लिसा भैया नमस्ते। जी कुछ का समय समाप्त हो गया। हाँ तुम लोग सेशन आगे बढ़ा सकते हैं। स्वागत है भैया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ठीक है, तो जो अभी तक बात हुई और वो हमने विश्वास सम्मान स्नेह ममता वात्सल्य श्रद्धा गौरव कृतज्ञता और इतने भावों को अभी तक देखा, अगर इन सबको एक बार एक ही स्लाइड में अगर समराइज करके देखें तो ये बात ध्यान में आती है कि मानव की मूल चाहना तो निरंतर सुख श्रेष्ठता को पाना है, ये बात दिखाई देती है। अब जब श्रेष्ठता को देखने गए तो श्रेष्ठता को कहा व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही निरंतर सुख है। अभी जो हमको लग रहा है श्रेष्ठता, जो कि विशेषता है, अगर ध्यान से देखें एक्सपर्टाइज है। अगर एक व्यक्ति किडनी का डॉक्टर है और उसने किडनी की जो है वो विशेषज्ञता प्राप्त की हुई है, लेकिन अगर सही समझ नहीं है तो किडनी को ठीक करना है या उसको निकाल कर बेच देना है, ये नहीं तय हो पाता है। तो श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना निरंतर सुख है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, इसी को निरंतर सुख है। बहुत सारा खेल के हम हेल्दी कंपटीशन करके बहुत सारा उसमें जो है वो बैटिंग भी कर रहे हैं और इस तरह का भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हमको श्रेष्ठता की क्लैरिटी हो पाती है तो हम व्यवस्था को समझते हैं और व्यवस्था में जीते हैं। चारों स्तर की व्यवस्था, मानव की व्यवस्था, परिवार में, समाज में, प्रकृति और अस्तित्व में। तो अगर एक्सपर्टाइज की बात करें तो वहां ये तय नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो ठीक से जिएगा या ठीक से नहीं जी पाएगा, अनिश्चित है। ये जी भी सकता है, नहीं भी जी सकता है, लेकिन अगर श्रेष्ठता की बात करते हैं तो वहां पर व्यक्ति ठीक तरह से जी पाता है, ठीक ढंग से जी पाता है, ये बात ध्यान में आती। विश्वास और सम्मान सभी के प्रति दिखाई देता है। अगर मुझे इंटेंशन की क्लैरिटी हो गई तो ये बात ध्यान में आती है कि हर एक मानव सुखी होकर समृद्ध होकर जीना चाहता है। सम्मान की बात ध्यान में आई तो ये बात ध्यान में आती है कि हर एक मानव का जो लक्ष्य है, जो कार्यक्रम है, जो क्षमता है, वो तो एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। योग्यता अलग अलग हो सकती है। अब योग्यता अगर मुझे के बाद ध्यान में आती है कि किसी की योग्यता मुझसे ज्यादा है तो मैं उससे सीखने समझने को तैयार हूँ, किसी की योग्यता अगर मुझसे कम है तो मैं उसके साथ
जिम्मेदारी के साथ जीता हूँ और ऐसा जीते हुए बिना किसी शर्त के जिम्मेदारी के साथ जीता हूँ और ऐसा जीते हुए उस तक सही समझ और सही भाव पहुंचाता हूँ। अपना भाव संबंध का निश्चित बना रहता है, उसमें बहुत गड़बड़ी नहीं होती। अगर उसमें गड़बड़ी हो रही है मतलब कहीं ना कहीं मेरी योग्यता ही कम हो गई। जिसके प्रति भी विश्वास और सम्मान हो जाएगा उसको अपना संबंधी स्वीकार लेंगे। निर्विरोधिता का जो भाव है इसको कहा इसने, जिसको संबंधी स्वीकार लिया उसके प्रति ममता और वात्सल्य का भाव। श्रद्धा को कहा श्रेष्ठ मानवों के प्रति जो भाव है उसको कहा श्रद्धा, और श्रेष्ठता को कहा व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। गौरव को कहा जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसको कहा गौरव का भाव, और कृतज्ञता को कहा जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उसको कहा कृतज्ञता। यहाँ पर एक प्रश्न ले सकते हैं, एक दो प्रश्न, फिर आगे बढ़ते हैं। मुकेश बेली जी हैं, मुकेश बेली जी, अंजना खरे जी हैं, जी मुकेश जी आपका माइक अनम्यूट हुआ था जी, सॉरी गलती से हो गया। ठीक जी, दिनेश कश्यप जी हैं, जी सर नमस्ते सर आदरणीय सर। ये इसमें कल्पनाशीलता में जो तीन बातें हैं मान्यता संवेदना सहज स्वीकृति, ये मैं सुबह से सोच रहा था बोलूं लेकिन मौका दिया आपने सर, धन्यवाद। संवेदना का सर थोड़ा सा बता दिए, मान्यता सहज स्वीकृति तो समझ में आ रही है, संवेदना का एक आधा मिनट में सर जरा सर। जी मैं एक थोड़ा सा रख देता हूँ, बाकी ब्रेक में भी हम इस पे 11:30 के बाद चर्चा कर लेंगे। जी जी एक आध मिनट में बस जरा सा। जो संवेदना को देखें तो अगर जैसे मैं कुछ ये लगा कि भाई ये चीज मुझे टेस्टी लग रही है और मैं उसका से इस मतलब ये ज्यादा खा ले रहे हैं या खा ले रहे हैं, या मुझे लगता है कि भाई ये सुनने में अच्छा है इसको कर ले रहे हैं, देखने में अच्छा है इसको कर ले रहे हैं, तो इस तरह से जो भी भाव हमको मिल रहे हैं, जो भी चीजें, उसकी निरंतरता बहुत नहीं बन पाती है, ये कह रहे हैं संवेदना को। मतलब निरंतरता नहीं रहेगी ऐसा? जी जैसे बचपन में हमको कुछ खाने में पसंद था, अभी कुछ खाने में पसंद है, तो ये निरंतरता नहीं, कुछ और सुनने में पसंद था पहले, अभी कुछ और है, आगे कुछ और है, तो ये निरंतरता बहुत नहीं बन पाती है। लेकिन हाँ, संवेदना में निरंतरता नहीं रहती अपन ये मान ले। जब संवेदना के साथ हम जीने जाते हैं हाँ, तो वहां पर निरंतरता नहीं बन पाती है, उन कल्पनाशीलता में उन विचारों में निरंतरता नहीं बन पाती है, हम दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा अच्छा बस बस ठीक सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। ठीक है, अगर इस बात से लेकर निधि जी हैं, निधि चतुर्वेदी जी, अगर सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई जो श्रद्धा है तो श्रेष्ठ मानवों के प्रति, तो सर ये श्रेष्ठ मानव कौन होंगे सर, ये कैसे डिसाइड होगा कि ये व्यक्ति अच्छा है या ये व्यक्ति बुरा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी ने मेरे साथ अच्छा कर दिया तो मैं उसको श्रेष्ठ समझने लगती हूँ, एंड कभी उसने मेरे साथ कोई गलत काम कर दिया तो वो मेरे लिए बिल्कुल सबसे दुनिया का कहना चाहिए भ्रष्ट व्यक्ति बन जाता है। तो सर ये श्रद्धा वाला सर मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा। जी जो श्रेष्ठ मानव कह रहे हैं या जो श्रेष्ठ कह रहे हैं, अगर श्रेष्ठता समझ में आ जाएगी उस तरह से जो भी मानव जी रहा होगा उसको श्रेष्ठ कह लेंगे, तो श्रेष्ठता को अगर देखने गए तो जो मानव के चारों स्तर हैं, मानव खुद के साथ जी रहा है, परिवार में जी रहा है, समाज में जी रहा है, प्रकृति अस्तित्व में, यहाँ पर व्यवस्था एक है, उस व्यवस्था को समझ के उस व्यवस्था में जी रहा है निरंतरता के साथ, ऐसा नहीं कि कभी कभी, निरंतरता में वैसा जी रहा है उसको कह रहे हैं श्रेष्ठ। व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना निरंतरता में उसको कह रहे हैं श्रेष्ठ। अब जो भी व्यक्ति इस तरह का जी रहा है, जो भी मानव इस तरह का जी रहा है उसको कहा श्रेष्ठ। जी निधि जी, जी सर थैंक यू जी, धन्यवाद जी। प्रभा जी हैं, नमस्ते प्रभा जी। जी थोड़ा जी सभी हाँ, संक्षेप में रखिएगा बात को। जी सर बिल्कुल जरूर।
सर मैं आज आपकी इन सब बातों आज मैं वाकई में बहुत सहमत हूँ आपकी सब बातों से, क्योंकि जब हम मैं मतलब पहले भी मैं बोलना चाह रही थी तो पहले वाले चैप्टर पर बोलना चाह रही थी, लेकिन ठीक है मैं अभी बोलती हूँ। जब बच्चों के बारे में जब बात आती है तो बच्चों को जो हम खुद ही उनको कॉम्पिटिशन के मोड में डालते हैं, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह देखती हूँ और जब भी मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि तुम यह देखो कि तुम कहाँ हो, क्योंकि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम अपने आप से ही आगे बढ़ पाओगे, किसी से कंपटीशन कर रहे हो तो तुमको दूसरे की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, दूसरे की आवश्यकता मतलब अगर महसूस हो रही है तो मतलब तुम बिना किसी दूसरे के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और हमेशा इस चीज की आवश्यकता लगी रहेगी। तो मैं आपके इस सेशन से और मतलब ये जो इतने दिन से आप सेशन चला रहे हैं वाकई में मैं बहुत सहमत हूँ और मैं बहुत समय से ये चाह भी रही थी कि कहीं ऐसी कोई बात शुरू, क्योंकि जहाँ पुराने मनीषियों को विद्वानों को तो वो सब स्वयं आगे बढ़े हैं, अंदर से मन के भावों से आगे बढ़े हैं, विवेकानंद जी हैं, अगर मतलब जैसे भी देखा जाए तो वो उनकी अपनी। प्रभा जी अगर बात को थोड़ा संक्षिप्त में रख देंगे, समय की थोड़ा सा कमी है हमारे पास जी। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि बच्चों को कभी भी कंपटीशन के भाव में हमें नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनको ये बताना चाहिए कि तुम ही हमेशा तुम अपने आप को खुद ही आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब अगर हम ये देख पाते हैं कि इन हम भावों को देख पाते हैं और अगर हम कृतज्ञता के भाव को देख पाते हैं तो वहां से हमारे में जो है वो प्रेम का भाव का उदय हो पाता है। अगर हम देखें अपनी सहज स्वीकृति के आधार कि हम संबंध में रहना चाहते हैं, किसी के साथ भी नहीं संबंध में रहना चाहते हैं, क्या ऐसा है, यस और नो चैट में लिख दें, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी संबंध में रहना, ऐसा है क्या, यस और नो चैट में लिख दें, अगर रहना चाहते हैं लोगों के साथ तो यस लिखें, नहीं रहना चाहते हैं तो नो लिख दें, तो यस ये दिखा कि भाई हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तो ये बात तो क्लियर हो गई। एक के साथ और कई लोगों के साथ जो संबंध के भाव के साथ रहना चाहते हैं, इसको कहा इसने एक के साथ और कई के साथ जो संबंध के भाव के साथ रहना चाहते हैं, इसको कहा इसने जो सभी के साथ संबंध के भाव के साथ रहना चाहते हैं, इसको कहा प्रेम। स्नेह कह रहे हैं दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने के भाव को कह रहे हैं इसने, प्रेम किसको कह रहे हैं, हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकार लिया। अब जब हर एक की बात कह रहे हैं तो यहाँ पर उपलब्ध 133 लोग, हमारे ऑफिस के सभी लोग, हमारे परिवार के सभी लोग, हमारे मोहल्ले के सभी लोग, हमारे शहर के सभी लोग, हमारे प्रदेश के सभी लोग, हमारे देश के सभी लोग, विश्व के सभी लोग, किसी को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं कि नहीं 10 लोगों को छोड़ के सभी के साथ, 50 लोगों को छोड़ के सभी के साथ, हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने के भाव को कह रहे हैं प्रेम, कोई उसमें अब बच नहीं रहा है। लेकिन अभी जब प्रेम की मान्यताओं को देखने जाएं कि जो प्रेम की मान्यताएं और भ्रांतियां क्या हैं, तो ये बात ध्यान में आती है। अभी हम आवेश में संवेदना और मान्यता से के भाव से भ्रमित हैं, हमको लगता है कि ये संवेदना से पूरी हो जाएगी, हम वासना से दूसरे से पाने में लगे हुए हैं, वहां पर निरंतरता नहीं है प्रेम की। मान्यताओं में देखें तो बहुत सारा आजकल ऐसा दिखाई देता है, बहुत सारे शिक्षक आते हैं वो कहते हैं कि आजकल जो है मतलब हम लोग ये बात रखते थे कि भाई बच्चे लोग इस तरह की बात कहते हैं कि पहली नजर में प्यार हो गया, इस उम्र तक मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए, उसकी 4 गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, मेरे पास एक भी नहीं है, ये सब बात कहते हैं। बहुत सारे शिक्षक आए तो उन्होंने बताया कि ये बच्चों तक नहीं है, ये तो शिक्षकों में भी है, ये तो बड़े लोगों में भी है, तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। जबकि अगर सही समझ सहज स्वीकृति के आधार पर देखें तो प्रेम कह रहे हैं सभी से संबंधित होने के भाव को, सबके प्रति जिम्मेदारी का भाव, सभी को स्वीकारने का भाव, विश्वास सम्मान स्नेह ममता वात्सल्य,
के आधार पर हम सभी से संबंधित होने के भाव को स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है वो हमारे में। हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है कि हम प्रेम करने जा रहे हैं, वो हमारे में अपने से उदय होता है। अगर हमारे में विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह, ममता, वात्सल्य, ये सब की समझ हो पाती है, इन सब को जी पाते हैं। लेकिन अगर हमारी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको भी देखें, सहज स्वीकृति के आधार पर प्रेम की जो है वो उदय हो पाता है। लेकिन जब मान्यता की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारा जो है वासना, आसक्ति, ये सारी चीजें जो है वो रहती हैं और जिसकी निरंतरता संभव नहीं है। एक समय के बाद हम उसमें परेशान होने लगते हैं। अब ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने एक मतलब लगा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ये कटिंग है कि लव नंबर वन किलर इन फोर स्टेट, चार स्टेट में नंबर वन किलर जो वो प्रेम है। क्या प्रेम ऐसा हो सकता है कि किलर हो जाए? तो मान्यता के कारण हो जा रहा है, संवेदना के कारण हो जा रहा है, हम नाम उसको प्रेम का दे रहे हैं और यही हम बच्चों तक भी पहुंचा रहे हैं। यह निश्चित रूप से प्रेम तो नहीं है। एक इसी तरह की वर्कशॉप में एक दो छोटी बच्चियां माता पिता आके वर्कशॉप करके गई, पूरी वर्कशॉप जो है उन्होंने करके गई, उसके बाद वो अपना नॉर्मल स्कूल जाने लगी। एक दिन जो है वो बड़ी बच्ची आई और बहुत परेशान थी। बड़ी बच्ची करीब 9-10 साल की थी, छोटी बच्ची 7-8 साल की थी। बच्ची आई, बड़ी बच्ची बहुत परेशान थी। छोटी वाली बच्ची ने पूछा क्या हो गया, कुछ बताई नहीं। छोटी वाली ने थोड़ा और जोर दिया कि बताओ नहीं तो मैं मम्मी से बताऊंगी क्या हुआ। तो उसने एक पर्ची दी और बोला कि ये देखो, एक एक कॉलेज स्कूल के एक लड़के ने मुझे जो है पर्ची में आई लव यू लिख के दिया है और कल मेरा जवाब मांगा है, मैं उसको क्या बोलूं। तो बच्ची बोली कि उससे पूछ लेना कि भाई तुमको विश्वास पता है, सम्मान पता है, स्नेह पता है, ममता, वात्सल्य, ये सब भाव रखते हो मेरे प्रति या केवल प्रेम का भाव है? तो हमको लगता है कि छोटे बच्चों तक ये बात नहीं पहुंच सकती, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों तक जिम्मेदारी के साथ जीते हुए प्रस्ताव के तौर पर पहुंचाते हैं तो वहां तक भी इन बातों को पहुंचा सकते हैं। और हम तक अगर ये बात ठीक ढंग से पहुंच सकती है तो बच्चों तक भी पहुंच पाती है। लेकिन अभी हमको लगता है कि प्रेम तो इसी को कह रहे हैं। और इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं जो है वो बहुत सारी जो मूवीज आ रही हैं उसमें भी मिल जा रहा है, नाटक आ रहा है उसमें भी मिल जा रहा है, मोबाइल पे बहुत सारा, यूट्यूब पर भी मिल जा रहा है। हमको लगता है कि यही मान्यताएं हैं प्रेम। क्या इसी को प्रेम बोलेंगे या हर एक को संबंधी के रूप में जो स्वीकार लिया जाए उसको प्रेम का भाव कह रहे हैं? और ये कंप्लीट वैल्यू है, पूर्णता में रति, पूर्णता में रत होना, हर एक के साथ संबंध में निहित रस, भावों की अनुभूति करना। संबंध की स्वीकृति के भाव का आरंभ मानव के दूसरे मानव से संबंधित होने की पहचान से होता है, जिसको स्नेह कह रहे हैं। एक मानव ने दूसरे मानव को अपना संबंधी मान लिया तो स्नेह, और धीरे धीरे इसका फैलाव बढ़ता जाता है और प्रकृति की हर एक इकाई, मानव के साथ साथ अन्य इकाइयां तक भी ये फैलता है। एक से शुरू होकर अनेक तक जाता है और फिर हरेक को संबंधी के रूप में स्वीकारने के भाव को कह रहे हैं प्रेम। और जब प्रेम की भावना रहती है तो जो इसको व्यक्त करने जाते हैं तो दया, कृपा और करुणा के भाव में इसको व्यक्त करते हैं। भाव सभी के लिए होते हैं लेकिन निर्वाह केवल उन्हीं के साथ करते हैं जिन जो हमारे अभी जीने में आ रहे हैं। प्रेम का भाव ही अखंड समाज की नींव होती है। अभी भाव को देखने जाए तो भाई प्रेम का भाव हर एक मानव के लिए है, लेकिन अब हर एक मानव को जाके कहने थोड़ी ना लिखेंगे कि भाई हम आरा जो है प्रेम का भाव है। भाई जिसके साथ जीने जा रहे हैं उनके साथ उन भावों को निर्वाह कर रहे हैं। ये बात जो है वो ध्यान में आती है। अगर प्रेम को लेकर किसी का कोई प्रश्न है तो वो रख सकते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन है। सुषमा दास जी है, नमस्ते सुषमा जी। जी सर, सर प्रेम का भाव भावना केवल दया, कृपा और करुणा के रूप में व्यक्त की जाएगी, तो इन तीनों भावों के अलावा जो एक सहज प्रेम है जो दया और कृपा करुणा से अलग होगा, वो उसके लिए हम क्या शब्द देंगे सर? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, वो सहज प्रेम क्या है, किसको कह रहे हैं सहज प्रेम? सर जैसे यदि माँ बेटी का ही प्रेम है तो दया, कृपा और करुणा से अलग ही होगा ना सर?
देखिए अभी क्या है, वो प्रेम तो जो है वो हर एक मानव के लिए है, वो माँ बेटी में है, बाप बेटे में है, पति पत्नी में है, ऐसा नहीं, हर एक के लिए वो स्नेह हो सकता है, जो हमको कुछ मानव के प्रति जो दिख रहा है उसको स्नेह कह रहे हैं, लेकिन प्रेम का भाव तो फिर हर एक के लिए दिख रहा है। प्रेम मतलब यदि हम जो विशेष स्नेह रखते हैं उससे अलग मतलब प्रेम का भाव नहीं होगा सर उनमें, मतलब हमारे जो यदि हस्बैंड का वाइफ के साथ या वाइफ का हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ। जी वही बात कह रहे हैं कि अगर हम कुछ लोगों के प्रति जो हमारा स्वीकारिता का भाव है तो उसको कह रहे हैं स्नेह, लेकिन जहां पर हरेक को संबंधी के रूप में स्वीकार लिया उसको कह रहे हैं प्रेम। ये हो सकता है कि अब हरेक को स्वीकार लिया है तो उसमें हमारा पति पत्नी बच्चे भी हैं, पर हम वो बड़े सबसेट से छोटे तक आए तब तो ठीक है, हम सोचे कि छोटे सबसेट से बड़े तक जाए तो वो थोड़ा सा मतलब उसमें परिभाषा रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम एक को अनेक को और हरेक को जो संबंधी के रूप में स्वीकार रहे हैं उसको कह रहे हैं प्रेम का भाव। जी सर ठीक है सर, थैंक यू जी, धन्यवाद। हेमंत त्रिवेदी जी हैं, नमस्ते हेमंत जी। हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी आ रही है। मैं अभी आपने जैसे बताया ना कि स्नेह और प्रेम की जो कॉन्सेप्ट है जी, तो मेरा मानना यह है कि जो मैत्री है, मैत्री वो मैत्री के ही टाइप्स हैं, एक अपने से छोटे के प्रति जो है, जो अपने से एज में छोटा है उसके प्रति जो हमारी मैत्री है वो स्नेह है, और अपने से जो समानता के तल पर है तो उसके प्रति जो मैत्री है वो प्रेम है, और यही मैत्री अपने से थोड़ा सा जैसे योग्यता में आगे है तो उसके प्रति जो मैत्री है वो श्रद्धा है, मतलब उसके प्रति जो है वो श्रद्धा का भाव हो जाए, मतलब मैत्री है प्रेमी है लेकिन वो प्रेमी प्रेम थोड़ा ऊपर चला गया, मतलब जो हमसे योग्यता में ऊपर है तो उसके प्रति श्रद्धा है, और यही मैत्री आगे चल के वो ईश्वर के प्रति हो जाती है तो यही भक्ति बन जाती है। और रही बात प्रेम की, और जो आप जिस तरह से आप समझा रहे हैं तो एक मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि प्रेम स्टेट ऑफ माइंड तो ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड यानी हमारे हमारे माइंड का ही स्टेट है प्रेम, के हर कंडीशन में हम प्रेम करते हैं, जैसे ईसा मसीह को सूली पर लटका रहे हैं लेकिन तो भी वो दुआएं दे रहे हैं कि हे प्रभु माफ करना, कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, मारने वालों के लिए भी वो उसी भाव में है कि मतलब उसका अहित हो रहा है लेकिन वो इस कंडीशनल तक गए हैं, लेकिन इस स्तर तक किसी की चेतना चली जाए तो बड़े एक पुण्य का कार्य हो, लेकिन यहाँ तो लेन देन चल रहा है, प्रेम जैसी कोई कॉन्सेप्ट बहुत कम दिखी जा रही है, जरा सी नाराजगी पर पति पत्नी एक दूसरे को बातचीत करना तो बंद की बात है, दूर होकर ब्लॉक तक कर देते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देते हैं, कई ऐसे केस आ रहे हैं मेरे, मैंने कई लोगों को ध्यान से कहा था हूँ तो ऐसे केस आ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि चलो इतना सेटलमेंट कर लेते हैं कि चलो तलाक नहीं दे रहे तो अभी अलग अलग रहेंगे, और इसके अलावा पास में रहना उनको प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा पास में रह के बड़े कष्ट में है, दूर रह जाते हैं तो मिलने में उन्हें अच्छा लगता है कि बहुत दूर बहुत दिनों के बाद दूर रहे हैं तो हाथ में मिलते हैं तो अच्छा लगता है, जितनी दूरी बन जाए उतना ही नजदीक बन सकती है, लेकिन संभवतः ये जो एरा है इस समय जिस एरा से हम लोग गुजर रहे हैं उस एरा का डिफरेंस ये आया है कि इतनी सारी चीजें हैं लोगों की संगत तोड़ने के लिए, जैसे आप जो हारमोनी की बात की तो हारमोनी तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और इसमें उन हारमोनी को के जैसे आज कहें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं मोबाइल्स और व्हाट्सअप, इसमें ज़्यादा टाइम दे के लोग रिश्तों के लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं, रिश्तों के लिए भी वो चीज़ें नहीं रही, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो गया और एक्चुअल वर्ल्ड से वो मतलब कहीं ना कहीं एस्केप कर रहा है, पलायन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को जिस तरह से आप समझा रहे हैं है तो बड़ी सुंदर, लेकिन संभवतः मैं अपने 45 साल के तजुर्बे से देख रहा हूँ कि ये बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में सालों साल लग जाएं, ये ऐसा लगता है कि
कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कोई टेक्निक है क्या है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की बात आए, हाँ ये है जैसे मैंने अपने आप में ढाला है कि अब ईश्वर की कृपा से किसी की नेगेटिविटी को स्वीकार ना करते हुए आनंद के भाव में सेल्फ आइसोलेशन में रहना, मतलब सेल्फ खुद को बचाते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रख रहे हैं, प्रेम प्रकट भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से हमेशा घृणा, तो ये तो हमारी योग्यता है कि हम तो भी क्षमा कर रहे हैं, लेकिन क्षमा करने के बाद कुछ लोग ऐसे कांटे की तरह जीवन में रहेंगे, वो हमेशा छुपते रहेंगे, ये मेरा अपना अनुभव नहीं, व्यक्तिगत आप और लोगों से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि कुछ जीवन में कुछ संबंध ऐसे हैं जो हमेशा ही सूल की तरह छुपते रहेंगे, उन सूल की तरह उनको आप अपनी योग्यता से ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, हमें जैसे लगे कि हम में योग्यता का भाव है, हम समता का भाव लेना चाहते हैं। हेमंत जी, जी तो ये बात तो ठीक लगी जैसे आपने कहा, तो क्या लगता है कि इसके अधिकार पे, इसके आधार पर जीना ठीक है या जैसा ना समझी में जिया जा रहा है वैसा जीना ठीक है? नहीं, जीना तो ये है जैसे मैंने बताया ना सर। ठीक, तो ये दिखता है कि जीना इस तरह से ठीक है। अब हाँ, अगर ये दिख जाता है कि जीना इस आधार पर ठीक है तो इसके लिए प्रयास करेंगे, अगर हमको ये दिख जाता है कि ये मेरे लिए ठीक है तो हम इसके लिए प्रयास करते हैं, अगर ये नहीं दिख पाता है कि भाई ये ठीक नहीं है तो जो भी कर रहे हैं अन्यथा कुछ कर रहे हैं उसके लिए करेंगे। नहीं सर, जैसे आप जो कह रहे हो ना, तो मैंने ये महसूस किया है कि सेल्फ आइसोलेशन में रह के तो ये संभव है कि जिनसे ज्यादा हम उनको योग्यता समान तल पे लाने का प्रयास भी करेंगे तो वहां, जैसे कई लोग ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर तुल्य व्यक्ति भी किसी को बदल नहीं सकता, तो मानव की तो अलग बात है कि बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट और बहुत हाईली अंडरस्टैंडिंग वाला व्यक्ति भी नहीं बदल सकता। मैंने कई लोगों को आईएसओ को सुसाइड करते हुए सुना है, मीडिया में देखा है, एसपी डीएसपी कई हाई लेवल के लोग सुसाइड कर लेते हैं, समाज में योग्यता के दम पे आगे बढ़े लेकिन रिलेशन के दम पे वो वहां पे नहीं कर पाए। ठीक बात है, तो ये दिखता तो है कि भाई बहुत सारे एसपी आईएएस ऐसे कई के साथ। जी हेमंत जी आपकी बात हम तक पहुंच गई कि ये दिखता तो है ये एसपी आईएएस इस तरह का बन गया, तो ये क्या हो गए, ये कोई एक स्किल आ गई या जीने की समझ भी आ गई? समझ आई है, हाँ ये है कि समझ आने से ये है कि आप अपने आप को बचा के चलेंगे, हाँ कुछ लोगों को आप बदल पाएंगे, कुछ लोगों को अपने तल पे ला। आपका माइक म्यूट हो जा रहा है, जैसे कोई जैसे कहें कि जैसे डेड बॉडी की तरह जैसे चलते हैं, मतलब वो रिश्ते, उन रिश्तों में संभावना की कोई गुंजाइश नहीं होगी, वो रिश्ते ऐसे ही चलेंगे जैसे ढोने जैसी स्थिति में, और कई रिश्ते इतने मधुर हो जाएंगे जिनकी कल्पना नहीं करते, लेकिन ये है। देखिए क्या है ना, ये छोटी छोटी बात बोल के हम अगर ध्यान दें, अगर हम इस तरह का कह रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हम चाहने पर डाउट कर रहे हैं कि उनका कुछ हो नहीं सकता, वो कुछ ठीक हो नहीं सकते, और ये छोटी छोटी गड़बड़ी हम करते हैं, तो जब हम विश्वास हेमंत जी जब हम लोग उस विश्वास की बात को नहीं ध्यान दे पा रहे हैं जिसको हम आधारभूत मूल्य कह रहे हैं, तो प्रेम की बात जो कंप्लीट मूल्य है सर, उसको देने में कुछ समय तो लगेगा। एक सर, मैं आपसे ही पर्सनल प्रश्न करना चाहता हूं कि आपने तो ये कोर्स कराई है, लेकिन आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप सब में सामंजस्य का भाव बैठा पा रहे हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे जिनसे आप खुद बचना चाहेंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? लेकिन मैं जब से किया है तो ये देख पा रहा हूँ कि भाई तब से लेकर अभी तक अपने में बदलाव आ पा रहा है, अपने में ध्यान जा पा रहा है। हाँ, ये और कह सकते हैं। मेरे जीने से आपका जीना ठीक हो जाए ऐसा भी नहीं है, आपको अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति को उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं कि भाई मैं आपका सहयोग कर पाऊं, आप मेरा सहयोग कर पाऊं, हम लोग मिलकर दूसरे का सहयोग कर पाए, तो सहयोगी हो सकते हैं। प्रयास तो मैं आपको समझा नहीं सकता, आपके समझने में सहयोग कर सकता हूँ। जी सर, जी सर, बस इतनी बात। जी आई एग्री, इस बात से मैं एग्री करता हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये बात जो है प्रेम की कही, और ये बात ध्यान में आती है कि प्रेम का भाव ही अखंड समाज की नींव है। अब अगर न्याय को देखने जाएं तो मानव मानव संबंध की पहचान, उसका निर्वाह और मूल्यांकन और उभय सुख, इसी को कहा न्याय। पहचानना मतलब बिना शर्त संबंध को स्वीकार करना, दूसरे को उनकी क्षमता और वर्तमान योग्यता के साथ स्वीकार करना, इसको कहा जो है पहचानना। निर्वाह करने की जब बात कर रहे हैं
तो स्वयं में सहज स्वीकार्य भाव को सुनिश्चित करना और दूसरे के साथ साझा करना, जब जीने की बात कर रहे हैं, निर्वाह की बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ बिना शर्त जिम्मेदारी से जीना या दूसरे को सहज और आश्वस्त करता है। उभय सुख के लिए प्रयास करना, अपनी योग्यता का विकास करना तथा साथ दूसरे के विकास में मदद करना। और जब मूल्यांकन करने जाते हैं तो अभी भी हम चार तरह से मूल्यांकन करते हैं कि मैं दूसरे के बारे में क्या सोच रहा हूँ, दूसरा मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं दूसरे के बारे में क्या सोच रहा हूँ, दूसरा अपने बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो यह जांच करना कि सही भाव तक दूसरे तक पहुंच गया है तथा दूसरे को सही भाव को पहुंचाने में, भाव को समझने में सहयोग करना, ये मूल्यांकन जो है वो दिखाई देता है। अभी क्या लगता है, ये जो न्याय है ये हर एक परिवार में होना चाहिए या कोर्ट कचहरी में, थाने में होना चाहिए? परिवार में होना चाहिए तो पी लिख दीजिए, कोर्ट कचहरी में होना चाहिए तो सी लिख दीजिए। बढ़िया, तो ये दिखता है कि न्याय तो हर एक परिवार की आवश्यकता है। अभी जो कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं तो वो जब अन्याय हो गया तो उसका कंपनसेशन के लिए जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी में क्यों जा रहे हैं भाई? पति पत्नी जो है संबंध के भाव के साथ नहीं जी पा रहे तो कोर्ट कचहरी में कहा कि भाई अलग अलग हो जाओ, तलाक ले लो। और अभी केवल पति पत्नी को ही तलाक के लिए जाना पड़ता है, भाई भाई को तलाक लेना है तो कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता। आज से हमारी तुम्हारी बात बंद, बाप बेटे को आपस में तलाक लेना है तो कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है, आज से हमारी तुम्हारी बातचीत बंद। तो ये सब संबंध के भाव को समझ के उसके आधार पर जी कर हो पाएगा या बिना समझे हो पाएगा, हम अपने में इसकी जांच परख करके देखें। अगर परिवार में व्यवस्था, न्याय, परिवार और विश्व परिवार तक, अखंड समाज की बात करें, विश्व परिवार ही अखंड समाज है ना, अभी तो हमारा समाज खंड खंड में बट गया है और समाज तो बड़ी इकाई है, अभी तो हमारा परिवार भी खंड खंड में बट गया है। बच्चे को बाप की परवाह नहीं है, बाप को बच्चे की परवाह नहीं है, पति पत्नी को आपस में एक दूसरे की परवाह नहीं है, बच्चों की परवाह नहीं है, ऐसा भी दिखाई देता है। तो संबंधों में भाव है, विश्वास से लेकर प्रेम तक, हमने कल से लेकर अभी तक इस पर चर्चा करी। न्याय, मानव मानव संबंध की पहचान, निर्वाह, मूल्यांकन और उभय सुख को न्याय कहा। और जब न्याय सुनिश्चित होता है एक परिवार में और हर एक परिवार में, तो परिवार से विश्व परिवार तक अखंड समाज जो है वो, उसकी दृष्टि हम देख पाते हैं। आज का जो गृह कार्य है तो वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता का स्तर अलग होता है, कई प्रकार की भिन्नता होती है। क्या इस भिन्नता के ऊपर आप परिवार के प्रत्येक सदस्यों के साथ पूरकता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम बना सकते हैं? विद्यार्थियों में श्रेष्ठता, स्पर्धा नहीं के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए आप संस्थानों में क्या कार्यक्रम बना सकते हैं? श्रेष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने में सहायता करता है, प्रतिस्पर्धा में वह दूसरे को अपने स्तर तक आने तक पहुंचने से रोकता है। प्रेम का सही अर्थ को समझने में विद्यार्थी की मदद करने के लिए संस्था में क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर हम इस पूरी बात को रोकते हैं, अभी ब्रेक ले लेते हैं परीक्षित भैया, ब्रेक के बाद